स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? तो सबसे, हाँ सबसे पहले लिखो उच्चारण के आधार पर। पहला जो हमारा आएगा वो क्या आएगा? उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। आपसे पूछेगा क्या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो आप कहोगे तीन होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो आप बताएंगे तीन। कौन कौन से बोलिए? हम बता चुके हैं, ये आपको ये नहीं बताने वाले हैं। तो तीन हमने बता चुके हैं आपको। कौन है? ह्रस्व होता है, ठीक है। फिर कौन होता है? दीर्घ। और फिर कौन होता है? बता चुके हैं, नहीं बता चुके? तो यस या नो? दीर्घ व ह्रस्व, दीर्घ प्लुत, तीनों बता दिए हमने। इसमें कम समय लगेगा, इससे ज़्यादा इसमें लगेगा, और सबसे ज़्यादा किसमें लगेगा? प्लुत में लगेगा। ह्रस्व में कितने होते हैं? चार या पाँच? चार होते हैं। तो आपसे पूछेगा मूल सुरों की संख्या कितनी होती है? चार होती है। दीर्घ कितने होते हैं? सात होते हैं, ठीक है। संयुक्त सुरों की संख्या कितनी होती है? चार होती है। कितनी होती है? चार। कौन कौन से? ए ऐ ओ औ और अंग, आप बोल दो। नहीं, सिर्फ चार ही होते हैं, ठीक है। तो संयुक्त दीर्घ कितने हो जाएंगे? धैया के टोटल होते हैं सात, और उसमें से चार क्या होते हैं आपके? संयुक्त। इसी में हमने आपको संज्ञा स्वर भी बताए होंगे, बताए थे संधि स्वर, संधि स्वर बताए थे, और उसी में हमने आपको सजातीय और विजातीय बताए होंगे। तो सारे याद है, भूल गए? याद रहेंगे, कराने जरूरत नहीं है, पहले करा रखे आपने। फिर प्लुप्त बता चुके हम, आपका ओम एग्जाम्पल होता है। तो इसमें क्या होता है, जो ह्रस्व होते हैं वो आपके क्या बन सकते हैं? बोलो, प्लुप्त बन सकते हैं। जो ह्रस्व है वही क्या बन सकता है? प्लुप्त। हमने एग्जाम्पल बताया, बोलो आ है, आपको थोड़ी आप लंबा करके बोल दो तो ये हमारा क्या बन जाता है? प्लुप्त बन जाता है, बोलते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? प्लुप्त। तो इनमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बात लिखते हैं, अगला, पहला वर्गीकरण हो गया ये। दूसरा वर्गीकरण लिखिए, स्वरों का दूसरा वर्ग लिखो, जीव के आधार पर। जीव के आधार पर, किसके आधार पर? जीव के आधार पर। ये भी आपके कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के। इसमें कौन कौन आएगा? पहला, नॉर्मल चीज़ें याद रहती हैं, इनको याद रखना जरूरी है। जीव के आधार पर पहला कौन आएगा आपका? अग्र, अग्र स्वर, सही है। बीच में कौन होगा आपका? मध्य स्वर, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या होगा? पश्च स्वर। क्या होगा? पश्च स्वर। बात समझ में आ गई? नहीं, अग्र स्वर का मतलब होता है जीभ के आगे से जो स्वर बोले जाएंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं? अग्र स्वर कहलाते हैं। बात समझ में आ रही? दूसरे कौन होगा? जो मध्य से बोले जाएंगे वो क्या कहलाएंगे आपके? मध्य स्वर कहलाएंगे। और जो सबसे पीछे से बोले जाएंगे या उच्चारित करे जाएंगे वो हमारा क्या कहलाएंगे? पश्च स्वर कहलाते हैं, ठीक है। इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अग्र स्वर में वो स्वर रहेंगे जो क्या हो? जीभ के आगे वाले हिस्से से बोले जाएंगे। तो भाई हमारे स्वर होते कितने हैं? पहले हम इनको यहाँ पर एक नोट कर लेते हैं। एक बार बताइए कौन होंगे? आ, ई, ओ, फिर कौन आएगा? गलत हो रहा है, आ से लिखो ना, आ, फिर बड़ा आ जाएगा, है ना। उसके बाद कौन आएगा? छोटी, फिर कौन आएगा? बड़ी, फिर कौन आएगा? उ, बड़े ओ आ जाएगा, है ना। इसके बाद कौन आएगा? री, फिर कौन आएगा? फिर और कोई बचा? अंगास मतलब है नहीं हमारा, क्योंकि हम 11 ही पढ़ने वाले हैं इनमें, ठीक है। हम इनको उच्चारित करेंगे और देखेंगे कि अग्र स्वर यानी कि जीभ के अगले भाग से कौन उच्चारित होता है, ठीक है। बोलने की कोशिश करना, आप सभी शिक्षक बनने जाएंगे तो आपको बोलना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो बोलने की कोशिश करो, देखो बोलो अ, क्या अगले वाला हिस्सा बोला? जीभ का जो अगला हिस्सा ना वो पीछे को आपको वो करेगा, थोड़ा सा है ना, प्रेशर राइज करेगा, तो आप समझ जाना कि उच्चारित ही से होगा। अब आपका अभ्यास नहीं होगा तो आप बोल भी नहीं पाओगे, आपको सारे वर्ड लगा पूरी जीभ से ही बोल रहे हैं हम, क्लियर हो गया? देखिए तो अ हो गया, आ के बाद आ, तो पूरा मुंह खुल गया, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं रहा। फिर कौन आएगा? ई, बोलो जीभ रोक के बोलो, ई, आगे वाला हिस्सा पीछे को प्रेशर कर रहा है, देखो ई, ई, अरे क्या हुआ ये? जब तक बोलेंगे नहीं तब तक नहीं समझ पाएंगे, रटना हो जाएगा फिर। तो देखिए इस वाले हिस्से में आपको देखो जीभ इस तरह रहती है लेकिन अगला वाला भाग कार्य कर रहा होता है, ई ई ई ई, थोड़ा प्रेशर लग रहा होगा, दबाव बन रहा होगा उस पर, सही है। तो यहाँ पर दोनों वर्ड किससे बोले जाएंगे? ये अग्र स्वर है, ये दोनों कैसे हैं? अग्र स्वर हैं। दो क्लियर कर लिए हमने, आगे आ जाओ। क्या उ उ होगा? नहीं, उसमें ओठ कार्य कर रहे हैं, ऐसा करके, हाँ ये तो गोल हो जाते हैं ये। आगे देखो री, क्या होगा? री, री होगा, यस या नो? री होगा, अच्छा। और बताओ ए ए ए ए,
होगा। प्रेशर कहाँ पड़ेगा? जीभ में। अगर ये आपने बोलना सीख लिया तो वर्णमाला फिर गलत नहीं होती है, ध्यान रखना है ना। आराम से जीभ इस तरह रखो और प्रेशर मारो, तो अगला वाला हिस्सा प्रेशर करेगा पीछे को, ए ए देखो ए ए है ना, मारा प्रेशर, तो ये दोनों भी किस में आ जाएंगे आपके, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं आपके, ये चार वाले क्या कहलाएंगे आपके, बोलो री होगा या नहीं, है ना। तो री भी आगे वाला हिस्सा काम कर रहा है, देखो री री पूरा कंपन कर जाता है, सही है। तो ये भी किस में रहेगा आपका, तो आपसे पूछेगा अग्रस्वर, पूछेगा निम्न में से अग्रस्वर कौन से हैं, तो आप बताओगे ई ई ए ए और री, ई ई ए ए और री, ये आपके पांच जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, अग्रस्वर रहते हैं। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया ना, आगे आ जाइए। मध्य स्वर कौन होते हैं, मध्य स्वर कौन सा होता है बताइए, कौन होगा, किसे कहते हैं मध्य स्वर, जो सिर्फ मध्य से बोला जाएगा, जीभ के कौन से भाग से, मध्य से, तो बोलो कौन सा बोला जाता है, बोलो आ, आ बोलोगे तो जीभ का बीच वाला हिस्सा नीचे जाता होगा, देखो आ, आ नहीं बोलना है, आ बोलोगे तो बड़ा बोल जाएगा, क्या बोलेंगे आ, देखो जीभ का बीच वाला हिस्सा दबा, आ, आ हल्का सा प्रेशर बढ़ रहा होगा बीच में, तो वो वाला आपका कौन कहलाएगा, मध्य, कौन कहलाता है, मध्य स्वर। तो इसमें लिखो मध्य स्वर में सिर्फ कौन आता है, आ। अब देखो हटाते जाना, ये दोनों वर्क हमारे कर चुके हैं है ना, और री भी कर लिया है, और कौन कर लिया यहाँ पर, ये भी चला गया। अब बताइए पश्च स्वर, यानी कि जो पीछे से बोले जाएंगे, क्या हो जाते हैं, पीछे से, जीभ के पीछे वाला जो हिस्सा होगा वहाँ से उच्चारित होंगे कौन। तो अगर आपको याद नहीं भी है, अगर आपने अग्रस्वर तैयार कर लिए हैं और मध्य स्वर बचा है, तो बाकी बचे हुए कहाँ चले जाएंगे, पश्चिम में, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फिर इसमें कौन आ जाएंगे सब बताइए, आ उ, और कोई और बचा है इसमें, देखो एक ये आपका आ गया, ये दोनों आ गए, ये दोनों आ गए, तो यही वाले तो बचे होंगे, तो ये आपके क्या कहलाएंगे। और इनका उच्चारण कहाँ से होता है, पीछे से होता है, कहाँ से होता है, पीछे से, क्योंकि ये आगे वाली आकृति बनाते हैं, तो इसका उच्चारण कहाँ से होगा, पीछे से होता है, ध्यान रखना। तो ये पश्च स्वर हो जाते हैं, ये आपके अग्रस्वर, तो अग्रस्वर कितने, पाँच, कौन कौन से, ई ई ए ए और री, ठीक है। मध्य स्वर कौन होता है, ओ, और पश्च स्वर कौन होंगे, बाकी बचे हुए, तो आ उ और ओ औ, कौन हो जाएगा, ओ औ, क्लियर हो गया बात। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, जीभ के आधार पर स्वर कहलाते हैं। तो आपसे चाहे अग्रस्वर पूछे, चाहे मध्य स्वर पूछे, और चाहे कौन सा पूछ ले, पश्च स्वर पूछ ले, तो आप बता सकते हैं, बोलो यस या नो, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, आगे बात करते हैं अगले वर्गीकरण की। अगर चलिए मुख द्वार खुलने के आधार पर, जो हम मुख द्वार खोलते हैं उसके आधार पर, ये बेसिक रहता है, इनको चेंज नहीं कर सकते आप। मुख द्वार खुलने के आधार पर, किसके आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर, कि जो हमारा मुख खुलता है तो उसके अकॉर्डिंग हम कौन कौन से स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, उच्चरित करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आएगा आपका, पहले कौन आएगा, समृत आएगा, फिर कौन आएगा, अर्ध समृत, कौन आएगा, अर्ध समृत आएगा, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, विवृत, फिर कौन आएगा, अर्ध विवृत आएगा, ठीक है। तो कितने प्रकार के हो गए, ये चार, समृत और अर्ध समृत, उसके बाद कौन आएगा आपका, विवृत और अर्ध विवृत। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समृत की, समृत क्या होता है बताइए, समृत क्या होता है, जिसमें लगभग उच्चारण में मुख क्या रहे, बंद रहे, है ना। जब हम उन स्वरों का उच्चारण करें, क्या करें, उन स्वरों का उच्चारण करें, तो उसमें लगभग जो हमारा मुंह है वो क्या रहे, बंद रहे। हम बार बार उच्चारण किनका करेंगे, इन्हीं का तो करेंगे, बोलो यस या नो, इन्हीं का करते हैं हम, 11 है ना, इन्हीं का उच्चारण करेंगे। तो अगर हम इनका उच्चारण करें और हमारा मुख द्वार क्या रहे, लगभग लगभग बंद रहे, तो ऐसे वाले सारे स्वर हमारे क्या कहलाएंगे,
समृद्ध स्वर कहलाते हैं। तो एक बार इनको बोल के देखो कौन कौन आएगा, आप लोग अपने हिसाब से बताओ कौन बता सकता है कि कौन कौन से आ जाएंगे। मुख द्वार लगभग आपको बंद महसूस होना चाहिए कि हमारा मुख द्वार क्या है, लगभग बंद है। बोलो फटाफट कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, जल्दी बताइए भाई। आ बोल के देखो, अ अ आ, इ ई, इ ई, उ उ, इ ई, उ उ। मुँह खुला हमारा, खुला है या ऐसे पर खोल रहे हैं हम, बोलो। तो देखिए अ आ हो गया, अ आ, इ ई, उ उ। क्या इनमें मुँह खुला नहीं खुला, तो फिर कहाँ आएंगे ये, यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पे लिखो ई ई, और कौन आएगा आपका, बोला करिए। देखो जब तक बोलेंगे नहीं आपको नहीं आएगा, पढ़ने को तो आप किताब से भी पढ़ लोगे फिर, क्योंकि किताब में लिखे हुए होते हैं। आपको यहाँ पर समझना है, अगर आपको वर्णमाला आ जाती है तो आप बता दें आराम से, ठीक है। नहीं उच्चारण हो रहा तो प्रयास करो, क्योंकि अभ्यास से ही आपका आएगा, एक बार में तो नहीं आएगा, बट आपसे कर सकते हो आराम से। फिर जल्दी बताइए अगला, बताइए क्या होगा आपका। हाँ आ गया, देख लो ई ई हो गया, ये आपके चारों चले गए, है ना। तो देखिए री, क्या री में मुँह खुल जाता है, देखो री खुलता है, री खुलता है। बोलिए ए ए, ए ए मुँह खुलता है, ठीक। ओ ओ, ओ ओ खुले जाएगा, हमें वो वाला देखना है जहाँ पर मुँह लगभग बंद रहेगा। तो ई ई और उ उ, इनमें मुँह लगभग क्या रहता है आपका, बंद रहता है, ठीक है। तो ये चारों आपके क्या कहलाते हैं, समृद्ध स्वर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध का मतलब क्या होता है, क्या रहे, आधा मुंह खुला हो, क्या हो, आधा मुंह खुला हो। तो अब हमें क्या देखना है कि हम जब उच्चारित करेंगे तो उसमें आधा मुंह क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए। आधा मुंह खुला होगा, बंद होगा, हाँ। इसका लफड़ा बहुत ध्यान समझना, एक तरफ कहेगा वो कि आधा बंद रहेगा, और आधा अगले में जाके कहेगा क्या होगा कि खुला होगा, आधा क्या होगा, खुला होगा। तो बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं कि आधा बंद और आधा खुला क्या, समझ में आया। तो इसका मतलब ये होता है कि जो स्वर होंगे उनमें जो हम पहले वाले उच्चारित करेंगे उसमें लगभग हमें क्या लगेगा, आधा मुंह हमारा बंद रहेगा और आधा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ऊपर वाला अगर हिस्सा खुलता है, ऊपर वाला हिस्सा उठता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि ये खुला है। नीचे वाला अगर जो आपका हिस्सा है वो स्थिर रहता है तो इसे कहते हैं आधा बंद। भाई दो हिस्से हैं हमारे मुँह के, नीचे और ऊपर वाला ना, तो अगर नीचे वाला अपनी जगह स्थिर है उच्चारण करते हुए तो ये क्या होगा, आधा बंद। और अगर ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, उठता है, तो वो क्या कहलाता है, आधा खुला हुआ। पर दो चीज़ क्लियर हो गई नहीं अभी, आधा बंद का मतलब क्या होगा, नीचे वाला हिस्सा जिन स्वरों के उच्चारण में नीचे वाला हिस्सा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, तो वो क्या कहलाता है, आधा बंद, है ना। और ऊपर वाला हिस्सा अगर बोलने में क्या होता है, थोड़ा उठता है, तो वो क्या कहता है, आधा खुला हुआ। पहले बात समझ में आ गई दोनों की, अब हम उच्चारण करते हैं। देखो आपका, देखिए आ बोलिए पहले, क्या देखो आ बोलो, आ आ, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है हमें। अब कौन आएगा, री री री, दोनों खुल रहे हैं। देखिए यहाँ 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 करिए, देखिए ए ए आए, ध्यान सुनना आप, देखो ए आए, ए आए, तो ए में आधा बंद, देखो ए आए, ए आए, मुंह ऊपर उठ रहा है, तो ए में क्या हुआ, आधा बंद। बोले यस नो भाई, ए और आए उठ गया, दोनों रिलेटिव है, पूरक है दोनों, ध्यान रखना, एक पता चल गया एक अपने आप चल जाएगा। आधा बंद वाला समझ में आ रहा है, बोलिए ए आए, ए आए, ऊपर वाला उठाएंगे आप, सही है, ध्यान रखना। हाँ यहाँ आ जाइए, बोलिए ओ आओ, ओ आओ, बोलते हैं, बोले यस सर, क्लियर होगी नहीं बात, कि आधा बंद और आधा खुले के लफड़ा क्या रहता है, बहुत कन्फ्यूज रहता है बच्चे इसमें। तो आधा बंद मतलब जिससे हम उच्चारित करेंगे वो अपना स्थिर रहेगा, और आधा खुला का मतलब होता है कि उच्चारित करेंगे तो आधा ऊपर उठ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इनमें से हमारा जो कौन कौन आ जाएंगे इसमें, ए और यहाँ कौन आ जाएगा, ओ, ये तो आ गए किस में, आधे बंद में, ध्यान रखना ये किस में आ गए, आधे बंद में। तो फिर ये वाले किस में रहेंगे, आधे खुले में, ये किस में रहेंगे, आधे खुले में। कितने लोगों का समझ में आ गया, हो गया क्लियर ना, बोल के देख लो आप, देखो ए आए, ए आए, ओ आओ, ओ आओ। तो आधा बंद किस में, ओ में, और आधा खुला हुआ किस में, आओ में। आधा बंद किस में, ए में, और आधा खुला हुआ किस में, आए में। कितने लोगों को बात समझ में आ गई है,
क्लियर हो गया? अब डाउट तो नहीं रहेगा ये बंद खोले में, कन्फ्यूज रहते हैं बच्चे, सर आधा बंद कर लो तब भी आधा खुला रहेगा, आधा खुला आधा बंद रहेगा, बड़ा कन्फ्यूज रहते हैं। तो ये चीज़ होती है इसमें भाई, कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर कौन आ जाएंगे बताइए? दो आएंगे, कौन? ए और, अगर कोई दिक्कत हो तो बोलो, क्लियर हो गई ना बात? सही है, चलिए अगला बताइए, विवर्त। अगला बताएंगे कौन? विवर्त। विवर्त में क्या होता है? विवर्त में क्या रहता है? मुख द्वार पूरा खुल जाए। बोलो आ, बोलो आ, 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 आ। तो बड़े आ में क्या होता है? पूरा मुख खुला है, नहीं खुला है? एडवांस नहीं खुला है ना भाई? अ आ, अ आ, सही है। तो इसमें कौन आ जाएंगे आपके? बड़ा। आप अपनी छुरी में लिख लिया करो कि आधा खुला है आधा बंद है, वो अलग मैटर है, ठीक है? हम आपको समझाते जा रहे हैं। चलिए अगला बताएंगे कौन? अर्ध विवर्त। क्या हो जाएगा? अर्ध विवर्त। हाँ बताओ मिस्टर विजय, अर्ध विवर्त में क्या होगा? अर्ध विवर्त में क्या होता है? क्या होता है? आधा खुला रहेगा। क्या रहेगा? आधा खुला रहेगा, और हमें बताने की जरूरत है नहीं आपको कि आधा खुलेगा कैसे। बताओ किसी को दिक्कत हो तो। ए और ओ होगा इसमें, यस या नो? तो बता चुके हैं हम, ठीक है ना? तो आप एक बार रिपीट मार लो इसको। संवर्त का मतलब क्या हुआ? कि जिन स्वरों के उच्चारण में क्या हो, मुखद्वार लगभग बंद रहे। संवर्त का रिपीट कराइए जल्दी जल्दी। संवर्त में क्या होगा? ऐसे स्वर के उच्चारण में जिनमें मुखद्वार क्या रहे, लगभग बंद रहे। तो वो कौन कौन होंगे? ई ई ए उ उ, बोलो कौन होगा? ई ई और उ उ, ये क्या कहलाते हैं? संवर्त। अगला आ जाएगा अर्ध संवर्त। तो क्या होता है कि आधा मुख क्या रहे, आप आधा बंद रहे। क्या रहे? आधा बंद रहे। तो आधा बंद किन में रहेगा? ए ओ, ए ओ, ये आपके दो। फिर आता है कौन? विवर्त। तो विवर्त में क्या हुआ कि मुख द्वार क्या हो जाए, पूरा खुल जाए। पूरा क्या हो जाए? खुल जाए। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विवर्त बोलते हैं। और वो कौन है आपका? आर। अर्धविवर्त में क्या कहता है कि आधा मुंह खुला रहे। तो आधा मुंह कैसे खुला रहेगा, हम आपको बता चुके हैं। तो वो कौन आ जाएगा? आए और आओ, आए और आओ। क्लियर हो गई बात? किसी कोई डाउट हो तो बोलो आप। नहीं समझ में आया? हाँ जी, कौन सा? हाँ ये वाला आ जाता है इसमें। कौन आता है? री है, री इसी में जाएगा सर। लास्ट वाले सब ये बच जाते हैं। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन कैसे आएगा? पूछेगा कि निम्न में से संवृत कौन है, निम्न में से संवृत कौन है। तो आपको याद रखना कि संवृत ई ई और उ उ होते हैं। पूछेगा निम्न में से विवर्त कौन है, तो आपको पता होता है कि विवर्त जो होता है उसमें मुखद्वार पूरा खुलता है, और जो आ है वही क्या है आपका? विवर्त है। आ है वो क्या है आपका? विवर्त है। देखो इसी में ना एक और वर्ड आता है, कौन? जिसे हमने नवीन वर्ड कहते हैं, वो होता है ऑक्सीजन वाला। ये अभी तक हमारे उसमें शामिल नहीं हुआ है, बट लगातार प्रचलन में रहता है ये। इसको जगह नहीं मिली है, लेकिन दोस्ती निभाता रहता है घुस घुस के आराम से। जैसे ऑक्सीजन लिखते हैं हम लोग, तो ऑक्सीजन में अ लिखते हैं, इसे नवी ध्वनि बोलते हैं इसको। अभी आगे लिखवाएंगे, लास्ट में पॉइंटेड करके तो उनमें नोट करवाएंगे आपको, है ना? तो ये वाला हिस्सा भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो ये आ हो गया आपका, ए हो गया, ओ हो गया, और कौन हो गया? ऑक्सीजन वाला आ हो जाता है, ठीक है? हमने बताया था इसे आगत स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? आगत स्वर। बताया था हमने पहले? नहीं बताइए, आगत स्वर बताया था? नवीन ध्वनि है ना, नई ध्वनि, ठीक है? और या फिर आगत स्वर बोलते हैं इसको। क्लियर हो गया? अगर ही वो बोल दे कि आधुनिक स्वर कौन सा है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक स्वर कौन सा है, तो यही होगा भैया, सीधी बात है। नया नया आया अभी तो, आधुनिक बोल दो, कुछ भी बोल दो उसको। अब बच्चे यही चकरा जाते हैं पूरी तरह से, बोले पेपर भैया बहुत हार्ड आया, ये पेपर वाले बहुत गलत बना देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आप दिमाग नहीं लगाते हो। क्या इस कहेंगे इसको? आधुनिक स्वर बोलते हैं इसको। आधुनिक वर्ण अलग होते हैं, ध्यान रखना। आधुनिक वर्ण जो पूछेगा वो अलग होंगे, अभी आगे बताएंगे हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आपको समझ में आ गया, जीव के आधार पर कितने? चार। कौन कौन से? अच्छा, जीव के आधार पर है वो, है जीव के आधार पर तीन। अग्र, अग्र स्वर कौन कौन से? ई ई ए ए, क्लियर हो गया? मध्य स्वर कौन? आ। मध्य स्वर कौन? आ। और बाकी बचे हुए कहाँ? पश्च स्वर में। याद हो गए, बस याद करने को लिंक करो, रटते रहोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है? वर्णमाला को जितने अपने कंठ में
बोलने की स्टाइल अगर आपको आ गई तो वर्ड वाला भविष्य में कभी गलत होती ही नहीं है। क्लियर हो गया ना? और रटने की कोशिश करोगे, रट तो आप किताबों में लोगे, किताबों में सब दिया होता है, ऐसा तो है नहीं दिया हो। समझना है कि आकर उसको याद कैसे रखा जाए, बहुत कन्फ्यूज करता रहता है। क्लियर हो गया ना? सही वर्ण बताइए आप, कल आप कैसे अवकाश कर गए थे? फीवर आ गया था। अच्छा, और आज व्रत में होंगे? हाँ पक्की बात है, फीवर से कोई मतलब नहीं। इतना आधुनिक चीज़ें हैं, भगवान ना छूटें, भगवान चाहे हमें खुद बुला लें। ठीक है, जब बीमार होते हैं तो आपकी एंटीबॉडीज़ क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं, और जब आप फास्ट रखोगे तो आपकी एंटीबॉडीज और कम हो जाएंगी। सही है? तो भगवान को उतना ही याद रखो कि वो नहीं याद ना कर पाए। ठीक है, पहले दवाई लेते आप आराम से। सही, चले कोई नहीं, श्रद्धा अपनी अपनी है, अच्छी बात है। ले लिया? आपको भी आई थी क्या? आपको नहीं, आप व्रत हैं आज? नहीं। अच्छा, तो सही, ये जो पृथ्वी है ये महिलाएं ही रोके हुए हैं, ये आदमी तो राक्षस है, इसे कोई मतलब नहीं है। नास्तिक अगर नंबर वन ढूंढने जाएंगे तो वो आदमी ही होते हैं, बिना हाथ मुंह धुले सुबह चाय पीना इनका मूल कर्तव्य है इनका। ये अगर वो संडे वनडे होता ना, मतलब छुट्टी पर हों, और उस दिन अगर बिना मुंह धुले ब्रश करे अगर चाय नहीं पी, तो वो इंसान ऑफिस वाला नहीं माना जाता है, पेपर रख लेगा और ब्रश नहीं करेगा। सही है? तो ये सब योगदान जो दिया है, ये सब विभाग दे दिया किनको? महिलाओं को। जैसे सुबह उठेंगी, सफाई करके पूरा एकदम धुलाई फुलाई करके नहा फा के तब चाय बनती है उनकी। सही है? और हम लोग होते हैं सुबह संडे में उठते हैं आराम से, और ले आओ भाई चाय, बिस्तर पर मिल जाए तो और अच्छी ज़्यादा रहेगी। सही है? तो ये अच्छा होता है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है। ये हम तो चाहते हैं आप लोग ऐसे ज़रूर होना चाहिए, हमारी संस्कृति है, हम भगवान को याद नहीं रखेंगे भगवान हमें नहीं याद रखेगा फिर। सही है ना? चले, आप लोग बुरा ना माने किसी बात को। सबसे ज़्यादा महिलाओं की अगर कोई रिस्पेक्ट करता तो सिर्फ मैं करता हूँ, पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए, है ना, मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा उन पर, ये हमारा मूल कर्तव्य रहता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक बताओ, किसी कोई दिक्कत नहीं है? एक बार रिवीजन करेंगे आपको याद हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, कितने हो गए वर्गीकरण हमारे? तीन हो गए। चौथा देखते हैं, चौथा हमने अगर आपको याद हो हमने करा चुका है, जाति के आधार पर। क्या पूछ लेता है? जाति के आधार पर। किसके आधार पर पूछ लेगा? जाति के आधार पर ना, और जाति के आधार पर हम स्वरों को बता चुके हैं, बोलो यस या नो, आप लोगों के तैयार रहेंगे बताने के लिए। पहला हमने बताया था कौन? सजातीय। कौन सा बताया था? सजातीय। और दूसरे कौन बताए थे? विजातीय। तो ये बता चुके हैं हम, क्लियर है ना? चलिए, तो अंजलि बताइए, सजातीय स्वर कौन कौन से बताए थे हमने? एक बार रिपीट करवा देते हैं ना, आप लोगों को याद होगा, बाकी लोग भी तैयार रहिए। तो बड़ा आ आपका सजातीय रहेगा, और बड़ी ई सजातीय रहेगी, बड़ा उ सजातीय रहेगा। और कोई सजातीय है? और कोई सजातीय नहीं है, है ना? सजातीय का मतलब क्या होता है? कि समान वाले मिलकर बने हों। जैसे देखिए, आ किससे मिलकर बना होगा? ये बड़ा आ कब बना होगा? इसमें इन्हीं सजातियों को अगर हम कहना चाहें तो ये क्या हो जाते हैं? दीर्घ स्वर। बोलो यस या नो, क्लियर हो गई बात? इन्हीं को अगर हम कहना चाहें तो हम कह देंगे इनको संधि स्वर। क्या कोई हम पे केस लगाएगा इस बात पर? नहीं लगा सकते, क्योंकि ये चीज़ होती है। ये संधि के रूप में तो बना होगा, कैसे बना होगा? तो देख लो, इधर आ और आ मिलकर क्या बन गया? बड़ा बन गया। तो देखो, एक ही शक्ल जैसे हैं ये, है नहीं शक्ल एक जैसे? ठीक है, अब यहाँ पर कछुआ मत ले आना, कछुए भी एक शक्ल जैसे ही होते हैं। सही है? हाँ, मालूम नहीं पड़ता कौन कौन कहाँ है। सही है? बड़ा गड़बड़ रहता होगा वहाँ तो कछुओं में, एक जैसी प्रजाति लगती होगी। चलिए आगे बढ़े, हम इधर ध्यान दो। अगला देखिए, ई में भी कौन रहेगा आपका, है ना? ऊ का भी कौन रहता है? बाकी तो रूल्स हम लोग संधि में पढ़ेंगे, अलग चीज़ है। बट देखिए, एक सजातीय है नहीं है भाई, एक ही समान जैसे मिलकर क्या हुए, ये बन के तैयार हो गए, तो इनको हमने क्या कहा? सजातीय कहा। अब इनको क्या रटोगे रात में बैठ के? सजातीय सजातीय आ उ ई, मतलब पूरा रटते हैं एकदम बैठ के, ऐसे रटना है। याद हो गया हमें कि भाई दीर्घ वाले हैं सजातीय कहलाएंगे। हो गया क्लियर यहाँ तक? चलिए, और कौन बताने वाला है? अंजलि ने बता दिया है, होशियार बालक है ये। आप बताएंगे विजातीय, पीछे आप बताइए, जल्दी बताइए, विजातीय किसे कहेंगे? हाँ जी, विजातीय मतलब आपका संधि स्वर तो होंगे ही होंगे ये भाई, ये दोनों संधि स्वर होंगे यस या नो? तो ये यहाँ पर अगर बोल दे कभी आपसे कि संधि के आधार पर, किसके आधार पर? संधि के आधार पर, तो आप कन्फ्यूज होंगे क्या? नहीं ना? तो चाहे जाति के आधार पर बोल दे और चाहे संधि के आधार पर बोल दे, तो आप दो ही बताएंगे कौन कौन था, सजातीय और विजातीय। बेटा कौशल बताइए, बताओ जल्दी जल्दी, विजातीय स्वर कौन कौन से, कैसे रुके हुए हो? इतना टाइम लगेगा, तुम्हें पढ़ाया नहीं था, कौशल तुम ही हो, तो फिर कौन बताएगा? जल्दी बोला करो। हाँ, विजातीय स्वर में कौन कौन से आएंगे? क्रम से बताना, क्रम से। पहला कौन आएगा? आ, फिर ई,
और ये कौन से सब जाती है? गलत बात बेटा, बिल्कुल गलत बात है ये। ठीक है, कौन कौन सा होगा? क्रम से बताना है, गुण संधि अलग बतानी है और ब्रंधि संधि अलग बतानी है। भाई विजातियों में अगर हम देखें, ये थोड़ा और स्पष्ट कर देगा आपको, वरना आप पता नहीं हमें गांधी जी बना के छोड़ोगे। विजातियों में दो प्रकार के आ जाएंगे, एक तो आ जाता है हमारा गुण स्वर, बोलो यस या नो, इनको भी स्पष्ट कर लो आप। फिर कौन आ जाता है आपका इधर? वृद्धि स्वर। क्या बोलते हैं उन्हें? वृद्धि स्वर। बोलो बात समझ मारी है? होता कुछ कहीं नहीं है, बस आपको वही तो चीज़ें हैं भाई, 11 स्वर हैं, 11 स्वर को ही हम नाम देते रहेंगे जितने उपनाम दे पाएंगे। तो गुण स्वर में कौन कौन आ जाएगा और वृद्धि स्वर कौन आ जाएगा? आप तो बेटा समझ में आएगा कौशल? हाँ बताओ यदवंश, गुण में बताओ बेटा, गुण में कौन कौन से आएंगे? गुण में कौन आएंगे बेटा? आप थे नहीं उस दिन, क्लास हुई थी तो हमारा रिकॉर्डेड क्लास पढ़ा हुआ है, आप उसे देख लें, आपकी सुविधाओं के लिए डाल देते चीज़ें, सही है? हाँ जी, ए और ओ, ये आपके कौन हैं? गुण स्वर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? गुण स्वर। अब ये विजातीय होंगे, कंफर्म होंगे, देखो कैसे होंगे। भाई ए को ब्रेक कर दो, बताओ ए का मेल किससे होता है? तो क्या ये एक ही जाति के लग रहे हैं आपको? ये इंटरकास्ट है। कैसे? ये इंटरकास्ट है, समझ में आ रहा है? और ये कैसे थे? ये एक ही जाति के थे, सही है? हाँ, ये इंटरकास्ट वाले हैं। और ये क्या हो गए आपके? ये भी आपका किससे मिलके बनेगा, बोलो? हैं आ और उसे या ए से? उसे या ए से? अच्छा, बहुत बढ़िया, किससे बनेगा? उसे। तो क्या दोनों आपको एक जैसे लग रहे हैं? नहीं लग रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ किस कैटेगरी में चले जाएंगे ये? विजातीय। स्पष्ट आ रहा है आपको? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? संजय बताओ, क्लियर है? चले गुड, अभी हम नोट कर लो फटाफट, जल्दी जल्दी लिखो, कोई दिक्कत हो तो बता दो हमें, है ना? फिर अभी हम उच्चारण उच्चारण करते हैं इनके, रफ करते हैं, अभी इसको यहाँ लिख लो। चलो वृद्धि बता दो, अंशु बता दो, अंजू नाम है अंजू? हाँ, ये एक यहाँ अंजू है, एक सुबह अंशु है, तो हम उसका तुम्हारा नाम उधर लगा देते हैं कभी कभी, और आज सुबह हम उससे पूछते रहे, हम कह रहे अंजू, वो आराम से बैठी मस्त मौला, तो हमने कहा हाँ बताओ ना हमारा नाम कहाँ लिया सर आपने, तो आप तो किसका नाम लिए पड़े हो? हमने अच्छा चलो बताइए क्या होंगे इसमें, वृद्धि बताइए, उच्चारण करो तेजी से, बोलो आओ गुड, अब सही है, अभी कुछ और बोले थे आप, यही वाले दोनों होंगे हमारे, तो ये दोनों हमारे क्या कहलाते हैं? वृद्धि कहलाते हैं। हम लोग संधि में भी आगे पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। देखो बताइए, तो इसमें किसके मिलके बनेंगे? ये ए किससे मिलके बना होगा? आ और ये किससे मिलके बना होगा? तो आपको कहीं से कहीं तक लगा कि एक जैसे हैं ये। अब ये मत कहना सर देखो ये भी आ है और ये भी आ है, मुझे तो ये सजातीय लग रहे हैं। अरे नहीं लग रहे भैया, ठीक है, ये अलग है। कौन है ये? ओ है, और ये आ है, तो हमें आ आ मिलने चाहिए थे, ना कि ओ मिलना चाहिए। हाँ विजय, समझ में आया? नहीं क्लियर हो गया? तो फटाफट नोट करो, क्या हुआ? हाँ हाँ, अब भरेंगे इसको भी, लिख लिया यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? आप लोग बताओ, न्यू वाले बच्चे सब बताएंगे, किसी को डाउट हो, पुराने वाले पढ़े हुए इनको कोई बात नहीं है। संजय समझ में आ रहा है? बर्ड वाला समझ में आ रही है? इससे पहले वाला अगर आप हो सकता देख भी लिया, और रिकॉर्ड देखा है क्लास? नहीं नहीं, अभी अभी नया डाला था, इसी क्लास का है रिकॉर्डेड, तो उसको एक बार देख लेना और इसको लिंक कर देना, फिर तभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा, सही है? यहाँ से रफ कर दें, यहाँ पर आपस में बात नहीं करें, क्लास बढ़ाते रहें तेज़ी से, और तुरंत तुरंत हाँ करा करिए, अगर समझ में आए, नहीं आए तो फिर दोबारा समझाया करो, ठीक है ना? तुरंत बोलते रहिए, आप वो है मॉनिटर हैं आप इस क्लास के, ये लोग ध्यान ना दें, आप ध्यान दिया करो, बोलो आपको आ गया, बोले हाँ, बोले बढ़ जाओ, सही है? तो जल्दी जल्दी क्लास होगा, वरना लेट हो जाएंगे आप। देखिए अगला बताइए, पांचवा नंबर आ जाता है हमारा, जात के आधार पर समझ में आ गई बात? अब अगला आता है कौन? अगला देखो किस पर आएगा, ओठों होता है या होठों होता है? हैं, होठों या ओठों? ओठों होता है, होठ मत बोला करो, बोल देते हैं बच्चे, अब वो अलग बात है, अपना अपना साइन अलग है। किसके आधार पर बोलेंगे हम? होठों के आधार पर, लिख लो, होठों के आधार पर। कितने प्रकार से होंगे? दो होंगे। कितने? दो। पहला कौन? विजय बताओ, विजय कौन से आधार पर होंगे? तो पहला होगा वृत्तमुखी। कैसा होगा? वृत्तमुखी। और दूसरा क्या होगा? आवृतमुखी। ये तो सब याद होंगे आप लोगों को, समझने वाली चीज़ आगे आने वाली है, वृत्तमुखी और आवृतमुखी। और वृत्तमुखी का मतलब क्या है?
कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करते टाइम जो आपके होंठ हैं वो कैसे हो जाएं, गोलाकार हो जाएं, कैसे हो जाएं, गोलाकार हो जाएं, और जो गोलाकार नहीं बनेंगे वो आवृत्ति में चले जाएंगे, और जिनमें गोलाकार बन जाएंगे वो कहाँ चले जाएंगे, वृत्तमुखी में। तो आप बोल दो, बताइए आ में क्या बन रहा है, बोला आ नहीं बन रहा है, ई ई ई नहीं बन रहा है, ओ ओ बन रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत होशियार वाला को तुम लोग, लिखिए फटाफट, ओ हो गया यहाँ पर, सॉरी ऊ हो जाएगा, और आगे आ जाओ भैया, कौन आ गया फिर, री, री में बनेगा, री होती है री, उच्चारण हम वहाँ पे सही करवाएंगे आपको, बिल्कुल एक एक वर्ड बोलना है आपको वहाँ पर, जब उच्चारण स्थान पे व्यंजन पढ़ेंगे तब, ये री नहीं होती है, क्या होता है, री होती है, क्या होती है, री, क्योंकि मूर्धा से बोली जाएगी, कहाँ से बोली जाएगी, मूर्धा से बोली जाती है, गुड, समझ में आ गया, तो ये उच्चारण सही रहते हैं उनके, क्लियर हो गया। री के बाद आएगा कौन, ए ए, तो क्या बन रहा है, नहीं, उ उ, ओ आओ, ओ आओ, ओ आओ, क्या बना या नहीं, बन रहा है नहीं, और नहीं बन रहा हो तो क्या ओ और आओ में बन रहा है, ओ आओ, ओ आओ, ओ आओ, जल्दी बोलो, यस या नो, बन रहा है, अच्छा लिखते हैं फिर, चले आप लोग गुस्सा ना हो लिख देते हैं, वरना लिखते नहीं हम, चलिए इधर, तो यहाँ पर समझ में आ गया कौन हो गया, ओ और ये आपके कह रहते हैं वृत्तमुखी। अब जो बचे हुए होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, अब कहीं इनको भी बताना है हमें, नहीं ना, आप समझ गए, 11 में से ये हटा दो, बाकी बचे हुए इसमें लिख दो, क्लियर हो गया ना, तो इसमें कौन कौन आ जाएगा आपका, आ जाएगा, और री, फिर कौन आ जाएगा, और कोई बचा, ये सब आपके क्या कहलाएंगे, आवृतमुखी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, आवृतमुखी। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला आएगा कौन सा, आपका नेक्स्ट कौन सा पूछा जाता है आपसे, तो लिखिए आप इसमें, हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर, हवा के नाक व मुख के निकलने के आधार पर, निकलने के आधार पर, देख आपने देखा होगा ये भी कितने प्रकार के होंगे, दो, देखिए कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनका हम बोलते टाइम पर नाक का भी सहारा लेते हैं, बोलो यस या नो, किसका लेते हैं, नाक का सहारा, तो वहां पर आपके व्यंजन भी आएंगे और स्वर भी आएंगे, तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, स्वरों की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्वरों की, तो हमें यहाँ पर सिर्फ बताने कौन, स्वर, कौन बताने, स्वर बताने हैं, तो देखिए पहले जो आएंगे आपके हम पहले वाले लिख लेते हैं, पहले कौन से होते हैं, अनुनासिक होंगे, कौन होंगे, अनुनासिक, तो अनुनासिक स्वर पूछेगा आपसे, और दूसरे कौन होते हैं, निर्नासिक, निर्नासिक, इन्हीं को मौखिक स्वर बोलते हैं, इन्हीं को क्या बोलेंगे, मौखिक स्वर, तो मौखिक स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछे तो कितनी बताओगे आप, कितनी बताओगे, 11, अनुनासिक की कितनी बताओगे आप, 2, कौन कौन सी, अंग और आहा, कौन कौन से बताओगे, अंग और आहा, इसमें जो ये लगा होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुस्वार, और यहाँ पर ये जो लगा होता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, विसर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विसर्ग, और हमने आपको याद हो ये बताए थे यही दोनों क्या हैं, अयोगवाह हैं, क्या हैं आपके, अयोगवाह, तो हिंदी में अयोगवाह की संख्या पूछेगा कितनी, 2, कितनी होती है, 2, और यही ऐसे होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना क्या होते हैं, व्यंजन, लेकिन फिर भी ये रख लिए जाते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन से स्वर ऐसे हैं जिनको स्वर स्वर नहीं माना जाता, वो इसलिए वो कैटेगरी में रखे जाते हैं, अब आपके दिमाग में आता होगा सर ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो आपको देखो समझाने की कोशिश करते हैं, अगर समझ जाओ तो, नहीं समझोगे तब भी काम चलेगा, क्योंकि अब इसके लिए ऐसा थोड़ा ना कि बैठ जाओ लेके, हमें याद रख लेंगे हम थोड़ी सी, है ना, अगर समझ गए कोई चीज़, अगर हमने क्लियर कर ली तो वहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं होती, भविष्य में भी दिक्कत नहीं होगी, आपको वो चीज़ याद आ जाती है, तो हम कोशिश करते हैं समझाने की, देखिए यहाँ पर चलो हम आपको एक वर्ड लिखते हैं, वो वर्ण लिखते हैं वो है का, अगर हम का को ब्रेक करके देखें
तो इसमें हमेशा पहले कौन निकलता है, वर्ण यानी कि का, और उसके पीछे कौन रहेगा, हा। बात समझ आ रही है? अगर कोई और वर्ण ले लें, मान लो हम की ले लें, की है ना, तो की में भी का पहले रहेगा और बाद में कौन आएगा, ई। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम किसी व्यंजन को बोलते हैं या किसी वर्ण को बोलते हैं तो उसमें क्या होता है बताइए। देखिए, पहले व्यंजन शो करेगा और बाद में कौन शो करता है, स्वर। जैसे हम का बोलते हैं तो का पहले अपना अस्तित्व दिखाता है और फिर उसमें आ लग जाता है तो पूरा क्या बन जाता है, का बन जाता है। हम लोग की बोलते हैं तो की पहले अपने आप को आवाज़ देती है का, और उसके बाद किसकी आवाज़ देगी, ई की आवाज़ देती है। तो इनका जो पैटर्न रहता है वो यही रहता है कि हमेशा जो आपका कोई वर्ण है अगर, तो उसमें व्यंजन पहले रहेगा और सॉरी वर्ण पहले रहेगा और बाद में कौन आएगा, स्वर आएगा। आगे बात समझ में? यानी कि कहीं पर स्वर पहले आवाज़ दे देगा, ये ध्यान रखना इनका, इनका क्लियर होता है ये चीज़। कहीं पर क्या होगा कि स्वर जो है वो क्या करेगा, बाद में आवाज़ देता है ना, लेकिन ये रहते साथ साथ में कि पहले भाई साहब तुम बोल दो उसके बाद हम बोल देंगे, ये इनका क्लियर है। तो ये हमारे ऐसे क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। समझ में आ गया? अब स्वर, ये स्वर कब आता है, जब बाद में आएगा तभी तो स्वर कहलाएगा। भाई स्वर, स्वर कब कहलाया, स्वर का क्या, स्वर का कोई अस्तित्व है, नहीं है, बोलो यस या नो। स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, बस आके आप बताओ क्या बना डालोगे उससे, कुछ नहीं बना पाओगे। जब स्वर सहायता करेंगे किसी की, क्या करेंगे, सहायता करेंगे, तभी वो क्या होता है, उनका अस्तित्व मालूम पड़ता है कि ये क्या है, स्वर है। तो स्वर का सही पहचान क्या है कि हमेशा व्यंजन के क्या आता है, पीछे आता है, क्या आता है, पीछे आएगा। समझ में आया? तभी अपने आप को क्या करता है, प्रूफ करता है कि हम कौन हैं, स्वर हैं। बात समझ आई? पहले ये बताइए, ये बात क्लियर हो गई ना कि स्वर कब स्वर कहलाएगा, जब वो व्यंजन के क्या रहता है, पीछे रहता है। क्या रहता है, पीछे रहता है, मतलब उनके बीच का एक अंतराल रहता है। अब मान लो हम इनको एक साथ बोल दें, अब कुछ ऐसे होते हैं, अब ये देखो अंग क्यों नहीं आता। देखिए जैसे मान लो हमने ये लिखा, ये हंस लिखते हो हंस, तो क्या हा और अंग की बिंदी अलग अलग आवाज देते हैं, कॉन्सेप्ट समझना, बस वहीं पकड़ लोगे चीज़ों को। आप स्वर की सही पहचान क्या है कि अलग से अस्तित्व रहेगा अपना, क्या रहेगा, अलग से रहेगा। अगर हमें व्यंजन में इंक्लूड करना है उसे, तो व्यंजन अपना काम करेगा और वो पीछे से अपना आवाज़ करेगा, यानी कि दोनों अलग रहेंगे, यानी कि विलयन घुलेगा नहीं, ये विलयन घुलेगा नहीं, वो अलग दिखाई देगा, विषमांगी विलयन रहेगा। कैसा रहेगा, ऐसे समझ लो अगर साइंस वाले हो तो, ये कैसा रहेगा, विषमांगी रहेगा, यानी कि का अपना अस्तित्व देगा और आ का भी अपना अस्तित्व रहेगा। बोलो यस या नो? देखिए यहाँ पे भी का अपना है और ई का अपना है, की भाई का अपना साउंड दे रहा है और ई अपना साउंड दे रही है। बात सुन मारी नहीं आई? तभी तो स्वर कहलाएंगे ये, तभी तो स्वर कहलाए, क्योंकि स्वर क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अब हंस बोल के दिखाओ आप मुझे, क्या हंस में अंग की बिंदी अलग आवाज़ दे रही है, हा के साथ दे रही है? बोलो यस या नो? अंग की बिंदी हा के साथ जवाब दे रही है, अलग नहीं करेगी। हंस एक साथ बोल गया, अब देखो का बोल के देखो, का तो आपको लग रहा कि आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन हंस में क्या होता है, ये एक साथ आवाज़ देती है, हंस। समझ में आया? तो इसका मतलब हुआ ये एक पहचान अपनी भूल गया कि हमें व्यंजन के बाद साउंड करनी थी, लेकिन ये साउंड ऐसा नहीं करती है, क्या करती है, एक साथ ही करती है। तो इसीलिए इसको क्या करा गया है, स्वर से बाहर रखा गया है। क्या रखा गया है, स्वर से बाहर रखा गया है, और यही आलम रहता है अंगा का। बोलो यस या नो? क्लियर आ गया? यानी कि वो वर्ण के साथ ही आवाज़ दे देगी, अलग से नहीं देगी। बात समझ गया? तो इसलिए इन्हें ना तो स्वर कहा जाता है और ना ही व्यंजन कहा जाता है, कि दोनों कैटेगरी इसके अंदर नहीं आती। भाई व्यंजनों की पहचान क्या है, जो व्यंजन होता है उसकी पहचान क्या है, कि स्वर होना चाहिए, और स्वर होना चाहिए दोनों का अस्तित्व तो क्या हो, अलग अलग हो। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखना अंग जो और अंगा होता है, वो वर्ण को जब आप उच्चारित करोगे तो अपना साउंड उस वर्ण के मिक्स करके देगा, अलग से साउंड नहीं होगा उसका। जैसे हंस में देखो, हंस हा के साथ ही अंग की बिंदी आ गई, क्लियर हो गई? ठीक। तो इसीलिए इसको क्या करा, बाहर रखा गया हो। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तब भी और अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं फिलहाल। ये दोनों वर्ण अयोगवा होते हैं, अंग और आहा दोनों क्या होते हैं, अयोगवा होते हैं, और ना तो ये स्वर होंगे और ना ही क्या होंगे, व्यंजन होंगे, इसलिए अयोगवा रखा गया है। इनको क्या करा गया, अयोग रखा गया है। इसलिए स्वरों की जब जब आपसे संख्या पूछेगा, अब क्लियर हो गया, कोई कितना भी तेरह तेरह सर पटकता रहे, तेरह लगा के आओ, तेरह ना 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 ना, बोले भैया दो तो है ही नहीं, वो तो हमेशा लगा के आओ, कितनी, ग्यारह है। स्वरों की संख्या कितनी, ग्यारह है। सब बोल जाओ चीज़ें, अब सिर्फ क्या लगाओगे, ग्यारह है, क्योंकि स्वरों की संख्या कितनी है, ग्यारह। अंग आ तो है ही नहीं, हो गया क्लियर यहाँ तक? अब बाकी जो बचे हुए होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, निर्नासिक में, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मौखिक स्वर कहते हैं। बोलो कितने लोगों को बात समझ आ गई है, आगे बात समझ में नहीं, क्लियर हो गया? नहीं आओगे तो अगली बार रिविजन समझ में आएगी, तब तक पढ़ते रहो उनको, आगे बढ़ जाए। क्या बोलते हैं,
अनुनाशिक बोलते हैं इनको, हाँ लिख दें यहाँ पे, ये एक ना और बढ़ जाता है अनुनाशिक, एक ही वर्ड होते हैं सबसे, मौखिक अनुनासिक निर्नासिक सब यही होते हैं। एक ना गायब हो गया ना, एक ना और लगा लो, डबल ना है अनुनुनाशिक, ऐसा अनुनुनाशिक, हाँ ठीक है। तो इनको ही बोला जाता है, हाँ क्या करें और बस बस, ये तो काफ़ी हैं। अच्छा हाँ रुकिए एक मिनट रुकिए यहाँ पर, अच्छा ये अयोगवा हमने बताए थे अभी, देखो इस पर एक चीज़ भूल जा रहे हैं हम, अयोगवा जो अयोगवा शब्द लिया गया है किसके लिए लिया गया है, ये अंग और आह के लिए। तो यहाँ पर कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अयोगवा ये जो शब्द है इसका नामकरण किसने किया था, क्या कहेगा कि जो अयोगवा शब्द है इनके लिए, इन भैया दोनों भाइयों के लिए ये नाम लेकर कौन आया था, किसने कहा ये अयोगवा होंगे, किसने कहा ये अयोगवा होंगे। देखो किशोरी लाल वाजपेयी, किशोरी प्रसाद है सॉरी, किशोरी प्रसाद वाजपेयी, किशोरी प्रसाद, किशोरी प्रसाद वाजपेयी, वाजपेयी, बात समझ आ रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अयोगवा को अयोगवा कहने वाले कौन थे, तो आप बताओ किशोरी प्रसाद वाजपेयी, क्लियर है ना, ठीक आगे बढ़ जाए। अब तो अयोगवा समझ में आ गए भाई, अयोगवा कई बार पूछ चुका है तो अब उठाकर यही चांस है कि वो नामकरण पूछ ले कि अयोगवा का नामकरण करा किसने था निम्न में से, तो आप कैसे बताओगे सही। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, तो हवा और नाक से समझ में आ गया, अब कौन बचा लास्ट, हो गए वर्गीकरण हो गया सुरों का, कोई दिक्कत कहीं पर, आगे बढ़ जाए आप हम लोग। अब डालो व्यंजनों, व्यंजन डालो, अब व्यंजन पढ़ाएंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण या व्यंजन लिख सकते हैं इनको, सुरों की जगह पे क्या कर दो आप, व्यंजन क्या कर दो, व्यंजन, ठीक है व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो कौन बताएगा, पुष्पा बताइए व्यंजन होते क्या हैं, किसे कहा जाता है व्यंजन, जो सुरों की सहायता से, बहुत बढ़िया, क्या होता है जो सुरों की, क्या करा जाता है, सुरों की सहायता से बोले जाते हैं, अगर इनकी सहायता नहीं मिलेगी तो व्यंजन व्यंजन नहीं कहलाते हैं, सही है भाई। व्यंजन व्यंजन कब है, जब वो सुरों की सहायता लेगा तभी तो व्यंजन बनेगा, और स्वर स्वर कब है, जब वो व्यंजनों की सहायता करेगा, अगर इन दोनों कंडीशनों में कोई अगर गायब होता है तो फिर वो स्वर नहीं हो सकता और ना वो व्यंजन हो सकता है, समझ में आ रही भाई। जैसे हम लोगों का होता है, हम लोगों का अस्तित्व जो है वो किस पर है, पर्यावरण पर है भाई, पर्यावरण का जो हमारा चक्र चलता है, श्रृंखला चलती है, हम उस पर निर्भर है और पर्यावरण हम पर निर्भर है, बात समझ आ रही है। अगर दोनों की चैन रिएक्शन गड़बड़ हुई तो ना तुम होगे सनम ना हम होंगे सनम, बात समझ आ रही है। ऐसा नहीं हम लोग ये समझते हैं कि हम जी लेंगे, पर्यावरण के बिना क्या आप जी सकते हो, नहीं जी सकते। तो ऐसे ही व्यंजन और स्वरों का क्या है, एक दो पूरक होते हैं, व्यंजन व्यंजन ये नहीं कह सकते हम स्वरों को मार दें हम जिंदा रह लेंगे, हम व्यंजन रह जाएंगे ना, उनका ऐसा समाप्त, समझ में आया। और स्वर ये नहीं कह सकते कि हम व्यंजनों की सहायता नहीं करेंगे तो हम स्वर रह जाएंगे, नहीं जाएंगे, जब तक वो व्यंजनों की सहायता नहीं करेंगे तब तक वो स्वर नहीं है, और व्यंजन तब तक व्यंजन नहीं है तो स्वरों की सहायता नहीं लेंगे, बस दोनों कंडीशन सेम रहती है। और इन दोनों कंडीशन में, इन दोनों में किस में कंडीशन में जो अंग और आह हैं वो दोनों गड़बड़ करते हैं, क्या करते हैं गड़बड़ करते हैं, तो एक साथ उच्चारित हो जाते हैं, सही है। अब तो क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा, चलिए आगे करते हैं, वर्गीकरण लिखिए पहले, पहला आएगा उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, किसी बच्चे को कोई चीज़ अगर समझ नहीं आए तो पूछते हुए चलना, ठीक है, लेकिन वहाँ पर जाकर गलती नहीं करना, सही है। यहाँ पर जो भी डाउट हो आप स्पष्ट कर लो और प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाया करिए, जिससे आपको और नई चीज़ें मिलती रहती हैं, ठीक है ना, तो वहीं से आपको क्लियर हो जाता है कि हम वास्तव में सही चल रहे हैं या फिर गड़बड़ हो रहा है, उच्चारण के आधार पर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजनों को, तो व्यंजन टोटल हमने कितने बताए थे, 33, सही टोटल व्यंजन हम 33 ही पढ़ते हैं, बाकी तो संयुक्त हैं, अलग से जुड़ जाते हैं, वो अलग मैटर रहता है हमारा, सही है। तो कितने हम लोग होते हैं, 33 होते हैं, तो 33 को हम उच्चारित करके आपको बताएंगे कि आखिर को वो बोले कहाँ से जाते हैं, और क्वेश्चन पूछा भी जाता है इनसे। तो पहला नंबर हमारा कौन आएगा इसमें, कंठ, पहला कौन आएगा, कंठ, है ना, कि कंठ से कौन बोला जाएगा, तो कंठ से यानी ऐसे वर्ण जो क्या हो कंठ से बोले जाएं, ऐसे व्यंजन जो कहाँ से बोले जाएंगे, कंठ से बोलेंगे। सभी को अपना अपना कंठ पता है,
नहीं पता हो तो आज पता कर लेना। देखो हम हाथ लगाए हुए हैं इसलिए यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे कंठ है। जब जब हम वर्ण बोलेंगे तो यहाँ पर कंपन होगा। अगर हमने वर्ण बोला और वो कंठ से उच्चारित है अगर, तो यहाँ पर क्या होगा? कंपन होगा। क्या होगा? कंपन होगा। तो आप देखेंगे समझ के। देखिए इसमें हम आपको पहले बता देते हैं कौन आएगा। का वर्ग आता है। कौन आता है? ध्यान समझना, का वर्ग आएगा, ये हमारा व्यंजन कहलाएगा। लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। तो भैया का वर्ग क्या होता है? का, खा, गा, घा और कौन आएगा? ङ। कौन आएगा? ङ। कौन आएगा? ङ। समझ में आया? अब हमें इसे का से बोलना है। देखिए उच्चारण करना सीख लो आराम से। यहाँ पर हाथ लगाएंगे और बोल के देखना, बोलना तीव्रता से। ऐसे नहीं बोलना ये, ऐसा कुछ नहीं हो जाता है। सही, तीव्रता होनी चाहिए बोलने की। भी क्या होनी चाहिए? कि स्पीड होनी चाहिए। तो बोल के देखिए सभी लोग एक साथ बोलेंगे। हाँ बोलो। क, ख, ग, घ, ङ, क, ख, ग, घ, ङ। आ रहा है कंपन? बोले यस या नो? कोई तो कान पकड़े बैठा है। हाँ आ रहा है सर, आ रहा है। कान नहीं पकड़ना, सही है, गला पकड़ना है। और गला मतलब ये नहीं सिर्फ स्पर्श करना, पर किसी का पकड़ लो। ठीक है, पता सर ने कहा था गला पकड़ लो। वहाँ पेपर में आ गया का उच्चारण, तो दूसरे गला पकड़ लिया का। हाँ आ तो रहा है इधर, सही, ऐसा मत कर बैठना। चलिए तो का वाला समझ में आया? पहले ये बताइए का वर्ग जो होगा, का वर्ग का मतलब क्या होता है? का के सारे क्या होते हैं? वर्ण। का में जितने भी वर्ण आएंगे वो क्या कहलाते हैं? हमारा का वर्ग कहलाता है। और एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे करके भी रख देता है कभी कि ये का वर्ग है तो इनका भी अपना एक नाम रखा गया है। ठीक है, का वर्ग के साथ अगर हम कार प्रत्यय लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? कार प्रत्यय लगा देते हैं, तो इसका नाम आ जाता है कौन? ककार। क्या जाएगा? ककार। अगर चा वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा? ये चकार। ठीक है, और टकार। बात समझ मारी नहीं? टकार, टकार, क्लियर हो गया ना? तो अगर उनके उच्चारण के नाम पूछता है तो अगर आपसे कभी पूछ बैठे, इनका कुछ पता नहीं रहता है, मन होता वही करते हैं, जो कहता इनको ये नहीं जानकारी होगी तो वही दे देंगे उठाकर, सही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनका नाम के लिए कौन सा प्रत्यय यूज करा जाएगा, तो आपको कार प्रत्यय यूज करते हैं। और इन सबके अपने क्या आ जाते हैं? नाम आ जाते हैं। भाई उस शब्द के साथ कार जोड़ दो तो ककार हो गया, भाई चा में आ जाएगा तो चकार हो जाएगा, टा से जोड़ दोगे तो टकार हो जाएगा। हम कह देंगे भाई सब ककार वर्ण कौन से होते हैं, तो आप वहाँ पर अब मान लो वहाँ पर कह दिए ककार वर्ण छाटो इसमें से, पर ककार वर्ण में कौन होगा वो अलग बात है कि आप तुक्का लगा दोगे। बोले अब का की बात करेगी, हो सकता का वर्गी हो, लगा दो, बट फिर भी हमें थोड़ा याद होना चाहिए। समझ मारा है? तो जिस वर्ण के साथ जोड़ देंगे वही उसका वर्ण कहलाएगा, उसका पूरा परिवार कहलाता है। जैसे एक मुखिया होता है घर में, तो उसी के नाम से आप सभी जाने जाते हो। सही भाई, उनके घर का है ये आदमी, बस कहते नहीं भाई लड़का किनका है, बोले वो भैया ना रामपाल, ठीक है उन्हीं के, उन्हीं के बेटा है जी, तो वो रामपाल से समझ में आ गया कि उनका पूरा नाम आ गया। सही है, हमारे यहाँ हमें पिता के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। कभी भी अगर आपसे कोई पूछेगा हाँ भाई तेरा बाप कौन है गाँव, तो उन्हें ये जब कोई ऐसे लैंग्वेज बोलता है तेरे बाप कौन है, तो डर लगता है, बोले शिकायत करने जा रहा है, तारीफ करने जा रहा है, भाई नाम ही ऐसे पूछता है। एक प्रजाति पाई जाती है मिकिर प्रजाति। कौन सी? मिकिर। कहाँ? असम में। तो उसमें माता के नाम से जाना जाता है। अगर तुमने उनसे पिता का नाम पूछ लिया तो तुम्हें काट डालेंगे पकड़ के। वो उनसे पूछो तुम्हारा मम्मी का नाम क्या है, तो बोलो मम्मी के नाम से जाने जाते हैं, पिता का औसत खत्म। ठीक है, तो होती हैं अलग अलग प्रजातियां होती हैं, उनमें से पूछता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया? तो का वर्ग क्या कहलाएगा आपको? कंठ से उच्चारित होता है। क्या होता है? कंठ से उच्चारित। तो पूछेगा कि का का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कहोगे कंठ है। खा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। गा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कंठ बताओगे। ठीक है, घा का उच्चारण स्थान क्या है? क्या है ध्वंस? कंठ है। और अंगा का स्थान पूछेगा तो आगे बात समझ में आता है, ये तो नॉर्मल याद रहते हैं, इनको कौन सा था वो करना है। अच्छा, इसके अलावा वाली देखते हैं, इनके अलावा वाले बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो पहले इसको लिख लेते हैं तो आपको समझ में आता रहेगा कौन किसके साथ जाएगा। कुछ चीज़ें लिंक में रहती हैं और ज़्यादा कन्फ्यूज होते हो आप उसमें। तो देखिए अंथायस्थ हमारे कौन होते हैं? या, रा, ला और कौन? यही होता है। ठीक, फिर कौन आएगा आपका? शाह। फिर ये वाला सा। फिर कौन? और इधर कौन? यही तो चारों रहते हैं, यही चारों बोलो आठ गड़बड़ करते हैं, तो इन्हीं को लेते हुए चलेंगे हम लोग। ध्यान रखना रटना नहीं है, समझना है, बेसिक समझ लो। किताबों में लिखा हुआ है, रटे तो रो बैठे बैठे कि कंठ के साथ कौन आएगा, हम आपको बता दे रहे हैं, आप समझ लेना आराम से आ जाएगा। देखो पहला ही वर्ड लिया हमने कावर, अब कावर के साथ कंठ के साथ और कौन आएगा? बोलो कंठ के साथ और कौन आएगा? कंठ के साथ कौन आता है? हाँ आता है। इसमें से कौन आएगा? हाँ। ये हाँ ऐसा व्यक्ति है जो दुखी रहता है।
जैसे परिवार होता है ना, तो उसमें कुछ लोगों की नहीं बनती है, कुछ की देखिए कितना बड़ा परिवार हो, एक दिमाग के नहीं होंगे, उसमें कोई ना कोई एक खुरापात ही निकलेगा। तो घर वाले भी क्या करते हैं, उसको आउट रखते हैं, और वो कहता है जैसे उनकी किसी दुश्मनी है तो वो सब नहीं जाएंगे उस घर पर, लेकिन वो जरूर जाएगा, होता देखा होगा। तो ये हमेशा इनसे लड़ाई में रखता है, झगड़ा रखता है, क्या रखता है झगड़ा। तो ये हमेशा क्या चलता है अलग, तो इसको पहले अलग कर दो। हाँ को क्या करवाएंगे हम लोग, अलग करवाएंगे, सही है। तो हाँ को अलग किया जाएगा तो ये कहाँ आ जाएगा आपका, तो अगर हाँ का उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो कौन होगा, कंठ होगा। उच्चारण स्थान कहाँ होगा, कंठ होगा। हाँ को और क्या कहा जाता है, आप लोग तैयार हो जाइए, ठीक है। हाँ को किस नाम से और जानते हैं, वो अलग मैटर है, सगोश वाले में चलेंगे हम लोग। यहाँ पर बताइए जो अलग नाम होता है, स्वरित होता है, ये स्वरयंत्र होता है, गुड लिखो, इसे हम लोग स्वरयंत्र बोलते हैं। पूछेगा स्वरयंत्र वर्ण कौन सा होता है, तो आप कहोगे हा होता है, एक हो गया। और बताइए, उरश व्यंजन होता है, और बताइए क्या होता है, ये अली जीवा तो अलग चीज़ है। और बताइए एक और शब्द बताया था हमने, इसमें एक काका भी बताया होगा, बताया था काका भी वर्ण, एक और वर्ण कोई होगा इसमें, बताइए और कौन सा वर्ण लिया जाता है यहाँ पर, है हाँ काकव वर्ण के बाद और क्या बोलते हैं इसको, एक स्वरयंत्र हो गया, काकव वर्ण हो गया, और उस दिन शिव कुमार की डांट भी पड़ी थी उसी वर्ण के पीछे, हैं उरश्य स्वरयंत्र हो गया, काकव भी हो गया, और अब डरते क्यों इतना, हाँ क्या बोला जाएगा उरश्य। तो क्वेश्चन ये आए हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखना, नोट करो। स्वरयंत्र हो गया आपका, काकव्य वर्ण किसको कहा जाएगा, तो आप हो गया हा को कहा जाता है, और क्या कहते हैं इसे, उरश्य कहा जाता है, क्या कहता है उरश्य, लिख लो उरश्य कहा जाता है। हा वर्ण को और किस नाम से जाना जाएगा, तो आप हो गए उरश्य वर्ण के नाम से जाना जाता है, बहुत नाम रहते हैं इसके, किस नाम से जाना जाएगा, उरश्य नाम से जाना जाता है। ये पहले आप लोगों ने लिखे नहीं थे, बहुत गलत काम करते हो, गबड़ कैसे कर लेते हो, उरश्य अगर आप लोग नहीं निकल पा रहे तो ऐसे लिखना उरश्य वर्ण, अच्छा सब सर के ऊपर ही आएगी, टूट के लास्ट में, सही है। लेकिन कई बार बताओगे, बीच में भी कई बार आपका उदाहरण बोल देते रहे हम, ये उस दिन शिवकुमार डांट इसी चक्कर में पड़ी थी, सही है, याद होगा, याद करो। तो बताइए हा को क्या क्या बोला गया, देखो अब हम सिर्फ हा को हा पढ़ रहे थे, अब आ जाता कि स्वरयंत्र कौन सा वर्ण है तो नहीं पता था, और एकदम भाई कूद पड़ते बोले वर्णमाला में क्वेश्चन नहीं फंसा, अब तो भाई साहब पूरी हिंदी बेकारी है, सबसे पहले माइंड में प्रेशर यहीं आ जाता है, लेकिन नहीं आराम से पढ़ो। तो हा को क्या बोलेंगे, स्वरयंत्र हा बोला जाता है, काकव्य वर्ण कौन माना जाएगा, हा माना जाता है, और उरश्य वर्ण क्यों माना जाता है, तो कौन, हा माना जाएगा। आपको इसकी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको डिटेल टीजीटी पीजीटी में पढ़ाई जाती है, तो आप सिर्फ इतना याद रखो कि हा कौन कौन है। तो हा हो गया कंठ से उच्चारण करने वाला, हा हो गया कौन, स्वरयंत्र, हा क्या हो गया, काकव्य वर्ण हो गया, और हा क्या हो गया, उरश्य वर्ण हो गया। तो कितने लोगों की बात समझ में आ गई, हो गया क्लियर। तो हा से उच्चारण वाले का वर्ग पूरा, और कौन हो जाएगा, हा, हा बोलता है, बोलेंगे हा, हंसते हो, हंसते हा हा हा, तो ये कहाँ से उच्चारण हो रहा होता है, और हंसने में हा हा करते हो, रावण सबसे ज्यादा इसी का यूज करता था, स्वरयंत्र का, रावण हंसता था तो ऐसे हंसता था, तो वो किससे करता था, हा का। अब ये मत कहना, ये लेके मत बनना कि रावण की बात, हम तो ऐसे बता रहे हैं एज ए मजाक, ठीक है, वहाँ पे सीरियस कोई चीज़ नहीं है, आगे समझ नहीं आ गई। तो हा हो गया उच्चारण स्थान, बताओ हा का, हा का उच्चारण स्थान कंठ, ठीक है। हा को क्या बोलते हैं, स्वरयंत्र, और क्या बोलते हैं, काकव्य, और क्या बोलते हैं, उरश्य, उरश्य वर्ण। अगर आ जाए कि उरश्य स्वर कौन से होते हैं, बोलो उरश्य अगर स्वर पूछा जाए तो विसर्ग वाले उरश्य व्यंजन कहलाते हैं, उरश्य स्वर कहलाते हैं, अच्छा। अभी आगे हम लोग स्वरों में से पढ़ने वाले हैं, याद दिला देना अगर भूल भी जाए तो, सही है कि उरश्य स्वर कौन से होते हैं, आपसे पूछ सकता है, तो ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है, अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगले आता है कि भाई कंठ से उच्चारण होने वाले स्वर भी तो होंगे, बोलो यस या नो। ये तो आपके व्यंजन हो गए, क्या होगा, ये व्यंजन हो गए, तो आप ध्यान रखेंगे का वर्ग वाले होते हैं, उच्चारण स्थान पूछेगा इसमें,
उच्चारण स्थान करके पूछता है। तो स्वर बताओ कंठ से उच्चारित होने वाले कौन कौन हैं, स्वर कौन कौन से होंगे, स्वरों को भी हम लिख लेते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए, सबको निपटाते हुए चलेंगे, ठीक है। इसके बाद कौन आ जाएगी आपकी, री आ जाएगी, फिर आएगा ए ए और ओ कौन आएगा और ओ आएगा। अब यहाँ आपको लिंक लेके चलेंगे, चलिए स्वर बताओ, आपस में बात नहीं करें, तुरंत बताइए। हाँ स्वर बताओ क्या होंगे आपके, कंठ से उच्चारण होने वाले स्वर कौन से हैं, तो स्वर यहीं से लिए जाएंगे, तो बताइए ये दोनों कौन आ जाएंगे, आ और आ क्या होते हैं, ये दोनों का उच्चारण स्थान क्या रहेगा, कंठ रहता है। अगर पूछेगा कि कंठ से उच्चारित होने वाले स्वरों की संख्या कितनी है, हाँ बोलो क्या कह रहे हो, कुछ तो उसे उठा रहे थे तुम, अच्छा हाँ बोलो, हाथ क्यों लगाए हो, लौट जाएगा वापस, सही है, हाँ बुमटिंग हो जाएगी फिर, हाँ आप बोलो, बहुत बढ़िया, आ रहा है कंठ से, देखो आ आ ऐसे बोला करो आराम से, आ आ बाद में बोलो पप्पा, सही है क्या बोलेंगे इसे, आ आ देखो यहाँ कंपन हो रहा होगा, आ आ अ आ सही है। तो ये हमारे किससे उच्चारण करेंगे, अब हम ही अकेले बोलते रहेंगे हमारा गला खराब हो जाएगा, आप तो आराम, आप क्यों नहीं बोल रहे, आप बोलो, आपको बोलो, भूल गए, अच्छा बोलो मन में बोल रहे हैं, बताइए मन में कंठ से कैसे उच्चारण हो जाएगा, है बहुत शर्म आते हैं, पता नहीं कितनी शर्म चाहिए और बताओ चले कोई बात नहीं, लिखो आ और हा जो आपका हो गया ये भी क्या है, कंठ से है। अरे तुम लोग तो नए बच्चे हो, बोलते रहा करो, चीख छा करा करो, वैसे वॉक करो गलियों में, बाइक ले जाके हैं, चलो इधर अगली बात करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया, अब बताइए देखिए यहाँ पर कंठ से जो आपके व्यंजन हैं, तो देखिए पांच तो यहाँ से आ गए है ना, और एक यहाँ से आ गया, तो टोटल अगर संख्या पूछ ले कि कंठ से उच्चारित होने वाले टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप कितनी बताओगे, छः। टोटल संख्या कितनी बताओगे, छः। और अगर पूछा जाए कि कंठ से उच्चारित होने वाले स्वरों की संख्या कितनी होती है, दो, दो या चार, अंग और आहा नहीं आते हैं क्या, अंग और आहा कंठ में नहीं आएंगे, संस्कृत में लोग क्या यहाँ नहीं आएंगे फिर, अगर आपसे पूछ ले क्या आ आ के बाद अंग और आहा नहीं होंगे, अंग आहा आएंगे नहीं आएंगे, तो गड़बड़ कैसे करते हो। तो ये टोटल कितने हो गए स्वर, चार। कभी कभी संख्या भी पूछ लेता है, हम जो उम्मीद नहीं करते हैं वही उम्मीद हमारी आ जाती है बाहर, सही निकल गए, हाँ जन्म आ रहा समझ में, नहीं ठीक, अगला बात करते हैं। अब दूसरा कौन आएगा भाई, कंठ खत्म हो गया कोई दिक्कत, और कंठ से उच्चारण करने वालों का नाम क्या होगा, जो कंठ से उच्चारित वर्ण होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कंठस्थ, क्या कहलाते हैं, बता रखे नहीं बता रखे, ये भी नहीं है क्या हुआ, कंठभ्य, कंठ है होगा, कंठभ्य होगा, कंठ है होगा, क्या होगा, कंठ है, तो लिखो फटाफट, ये भी कभी कभी पूछ लेता है आपसे, ऑक्सीजन वाला, ओ ऑक्सीजन वाला, ओ इसी में आता है कंठ से, उसको नहीं, उसको नहीं रखा जाता अभी, उसको नहीं रखा गया इसमें, ठीक है आप उसमें मत लिखो उसे, हाँ जबरदस्ती वैसे बढ़ा दो क्या फ़ायदा, क्योंकि जो चीज़ प्रूफ में ही नहीं है ना तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप अगर आ जाए बाई चांस तो इसी में लगा देना आप, सही है, वैसे भी चार ही रखना इसको। तो इसका जो उच्चारण स्थान रहता है जिससे करे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आवाज़ नहीं आ रही, क्या कंठ है, सही है, क्या बोलेंगे इसको, कंठ है, क्लियर हो गया ना। अगला कौन आएगा, कंठ के बाद कौन आता है, तालु, क्या बोलते हैं इसे, तालु। अब इससे जो उच्चारित होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, तालव्य, क्या बोलेंगे, तालव्य, बात समझ में आ रही है, ठीक। तो बताइए तालु से उच्चारित होने वाला कौन आएगा पहले, चावर्ग, कौन आता है, चावर्ग। तो चावर्ग को उच्चारित करके दिखाओ, चलो चा के बाद क्या होता है, छा के बाद, जा के बाद, उसके बाद, हाँ उसके बाद, आवाज़ नहीं आई, या देखो बोलोगे नहीं तो क्या फ़ायदा पढ़ने का, है ना। तालु जो होता है अगर आप देखोगे तो एक गड्ढा होगा उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, देखो अर्धन जीव लगाओ, जीव को ढूंढवाओ, कहना भाई सर्च कर किसको, तालु को, तो गड्ढा देखो, एक गड्ढा है उसके ऊपर वाला उभरा हुआ हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है आपका, तालु।
तो चा वर्ग में हमारी जीभ जो है वो तालु से टकरानी चाहिए। किससे टकरानी चाहिए? तालु से। तो बोलिए चा, देखो कहाँ टकरा रही है। अगर कंठ की या तालु दांत की तरफ ले जाते तो वापस ले जाओ वहीं। चा चा, ऊंचा वाला हिस्सा उसी पर टकरवाओ लगातार। चा छा ज झ या। अब या में नाक का सहारा आ जाता है तो थोड़ा सा लेवल नीचे आ जाता है उसका, लेकिन वो रहता कैसे है? बोलते क्या या, क्या बोलेंगे या, क्या बोलेंगे या। सही समझ में आ गया? तो ये आपके क्या रहते हैं? चा वर्ग वाले रहते हैं। कौन होते हैं? चा वर्ग वाले। तो कितने हो गए? ये चा वर्ग वाले हो गए। इसके अलावा और भी आते हैं। अब देखो यहाँ पे इसलिए हमने ऑलरेडी रख रखा है कि आपको दिक्कत ना हो, तो इसमें से दो उड़ा लो पहले वाले। सिर्फ का वर्ग वाला आपको कन्फ्यूज करेगा, तो का के लिए इसे अलग कर दिया गया है। ये बहुत भ्रम रहता है इस परिवार में, तो इनको उठाकर वैसे हटा दिया गया। बोले जाओ तुम पहले चले जाओ, है ना, तुम बहुत दुखी हो, तुम जाओ पहले। सही है। इसके बाद चा वर्ग में दो उठा लो, कौन? ये दोनों वाले। तो इसके साथ कौन आ जाएंगे? रटना नहीं है, रटना नहीं है, समझना है बस। समझ में आ गया? तो देखो या और कौन है? श। अब इसको तालब से बोलेंगे। किससे बोलेंगे? तालब से। जहाँ से चा बोला गया था वहीं से क्या बोलेंगे? या। क्या बोलते हैं? या। जो अंग्रेज होते हैं ना अंग्रेज, वो उच्चारण स्थान सही करते हैं और हम लोग उन पे हंस रहे होते हैं, जबकि बेवकूफ़ी कौन दे रहे होते हैं? हम। कौन दे रखे होते हैं? हम। वो देखो ऐसे बोलते हैं, उनके वर्ड को अजीब लगेंगे, लगते नहीं? हाँ, उन्हें नहीं कर मिलता। हाँ भैया, वो अलग बात है, बट वो बोलते सही हैं कुल मिलाकर, है ना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग? या। और हम लोग बोलते क्या है? या। ये दांत से टकरा देते हैं, दांत हमारा टकरा टकरा के दांत टूट गया एक। सही है, बात समझ आ रही है? क्या बोलेंगे इसको? या। और इसको क्या बोलेंगे हम? श। क्या बोलते हैं? श। क्या बोलेंगे? श श श। आवाज थोड़ा जो हवा है वो बाहर आएगी। श। ताला पे जीभ टकराओ। चा श चा श चा श। बोलो बोलो चा श चा श। अभी हम एक एक करके बुला लेंगे, रुक जाओ अभी। क्या बोलेंगे? चा श चा श। बोलो अंजलि जी, क्या है? शा एक ही तो बोलना है हमें, या और ये बोलना है बस। या शा, या शा। क्या होगा? या कौन बोल रहा है? या बोलेगा? या पता यू हनी सिंह वाला। हाँ, या बोलो। या शा, या शा। आ गया सुनिए जी, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहें, है ना, बता बहुत टाइम हो जाएगा। तो या और सा भी आ गया, क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? अब कौन आएंगे? स्वर। कौन आते हैं? स्वर, यानी कि तालु से उच्चारण करने वाले कौन आएंगे? स्वर। तो स्वर में कौन कौन आ जाएंगे? दो वहाँ चले गए तो दो का बंटवारा ये लोग कर लेंगे। बोले कंठ भैया तुम दो ले जाओ और दो को हम ले जाएंगे। ये ई कहाँ चली गई? तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? ई। और क्या कोई और वर्ण यहाँ पर आता है? क्या कोई और स्वर आएगा? ई ई। क्या बोलेंगे इसको? ई ई। अब जो जीभ है ना वो टकराएगी तो है नहीं, बट जो क्षेत्र रहेगा जीभ का, जो तालु का क्षेत्र है ना, उसके लेवल पे रहेगी। कहते हैं भाई साहब ये हमारी एरिया है, तो एरिया मतलब हम बॉर्डर के अंदर आ गए। तो जीभ का जो क्षेत्र है यानी कि तालु का क्षेत्र पूरा पूरा होगा भाई। अगर यहाँ पर तालु है तो उसके नीचे तक का क्षेत्र उसका माना जाएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे? बोलो ई ई ई ई। तो जीभ जो पीछे सट गई होगी, देखो भाई दांत वाले क्षेत्र से कहाँ हट गई होगी? पीछे। देखो ई ई ई ई ई ई, पीछे वाले क्षेत्र में होगी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? समझ में आ रहा है? तो ये भी क्या है आपका? तालु से उच्चारित हैं। तो देखिए इसमें कितने हो गए? पांच ये हो गए और दो ये हो गए, तो टोटल व्यंजन कितने हो गए? सात। और स्वर कितने हो गए? दो। कितने हो गए? दो। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? क्या घर पे रटोगे जाके? अभी बहुत आराम से समझो, बार बार प्रैक्टिस करिए, वर्ड वाला आपके पास आ जाएगी। सही है, ध्यान रखना। अगला देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट कौन आएगा आपका? नेक्स्ट कौन आता है? ये हटा दें हम, ये सब हटा देते हैं इधर से। इधर चीज़ समझ में आई गई होंगी आपको, ये हमें लिखे रखना है। तो अगला हम लोग ले लेते हैं कौन? तालु के बाद कौन आएगा? मूर्धा। कौन आएगा? मूर्धा। मूर्धा को जो उच्चारित होते हैं मूर्धा से, उन वर्णों को क्या कहा जाता है? क्या बोला जाता है? मूर्धन्य। क्या बोला जाएगा? मूर्धन्य। लिख लो फटाफट, लिखो मूर्धन्य। ठीक है, अब इनको समझते हैं हम लोग। तो इससे पहले कौन उच्चारित होगा? बोलो। टकार होंगे, टकार यानी कि टावर। कौन होंगे? टावर। टावर के बाद देखो इधर, अब रटने वाली चीज़ खत्म करो पहले। टावर में देखो ये दोनों चले गए, देखो इधर ध्यान दो, ये दोनों चले गए, तो फिर बारी किनकी है? अब
किन की बारी है? अब तो नहीं भुला करोगे कौन किसके साथ आने वाला है? कहता है कोई रिस्पॉन्स नहीं, आवाज़ नहीं आ रही है। खा के नहीं आया आज? व्रत भी तो है, हाँ खा के नहीं आए आप लोग? नहीं आएगा आज, कुछ मत पूछो सर, सही है? बोला करिए, जितना बोलोगे उतनी एनर्जी आएगी। तुम भी व्रत हो क्या? नहीं है, रख लिया करो, तुम्हें ज़रूरत है। हाँ विजय व्रत हो? अच्छा तो आराम से बैठो फिर, पेट को दबा के चले। यहाँ समझते हैं, तो ये दोनों देखिए, ये वाले कहाँ आ गए आपके तालू में, ये दोनों कहाँ आ गए आपके? तो देखिए टा वर्ग जो है, टा का जो भी वर्ण होगा उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। अब देखो मूर्धा कहाँ है, ढूंढो अपने अपने जगह मूर्धा, बताओ मैं कहाँ है? जो तालू से पीछे वाला हिस्सा है, जो गड्ढा है, जो गड्ढा है बोलते हैं गड्ढा, खाई से आपको मुँह में खाई कहाँ से आ गई? नहीं फिर भी थोड़ा गड्ढा रहता है उसका। देखिए आकृति जो बनाई गई है मुँह की ना, बहुत सिस्टम से बनाई गई है। अगर ये आकृतियाँ आपके मुँह में नहीं होती तो जो आपकी टंग है ना वो स्लिप हो जाती भाई, मालूम तुम समतल बना दी जाती, तो आवाज़ नहीं, आप साउंड बना नहीं पाते क्लियर करके, बोलो यस या नो। तो उनको भी क्या बनाया, ऊबड़ खाबड़ बनाया गया है। तो कभी कभी ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलना चाहिए तो आपको सीख मिलती है। कभी सफलता जब आपके पास आने में टाइम ले रही हो ना, तो आप समझ जाओ आप कुछ धमाका करने वाले हो बाद में, समझ में आया? लेकिन तभी धमाका होगा जब आप लगे रहोगे। अगर आप हिम्मत हार गए तो आप घर चले जाओ, सही है? ध्यान रखना ये चीज़, धैर्य बहुत ज़रूरी है। जीवन के हर मोड़ पर आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आप सोचो कि आप 16 साल की उम्र में सारे काम कराओ तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? ध्यान रखना। तो पेपर वेपर जो भी है ना बहुत ध्यान से किया करो। और घर पे पढ़ाई कर रही है नहीं कर रहे तुम जानो? हाँ हो रही पढ़ाई? नहीं सही, चलो इधर आ जाओ। टावर का उच्चारण करके देख लेते हैं हम लोग। तो जो बोलेगा बोल के दिखाओ, चलो फिर कौन आएगा? तो टाका होना चाहिए, उस गड्ढे में जीभ जाएगी तो वहीं पर उच्चारण करेंगे। देखो टा ठा डा ढा ळा ळा ळा, ये होता है। देखो जीभ टकराएगी जाके वहाँ पे, समझ में आ रही है? यही उच्चारण क्या होते हैं, सही वाले होते हैं। ठीक है आप लोग, बड़ा हंसी आ रही है, सही उच्चारण यही वाले हैं हिंदी में, हिंदी का यही कारनामा है। एक बार दोबारा रिपीट कराइए, टा आवाज स्पष्ट होनी चाहिए, टा ठा डा डा ड़ा ड़ा, समझ में आ रहा है? ड़ा होगा, हाँ थोड़ा नाक की आवाज आएगी, ड़ा, समझ में आ रहा है? तो ये होगा क्लियर, ये वाले समझ में आ गए? नहीं तो ये वाला बोल के दिखाओ, चलो रा और शा, ये भी आपको वहीं बोलना है। र क्या बोलते हैं? र, और यहीं से क्या बोलेंगे? श, पहले वाला क्या था? शा, ये क्या है? श शा श श श श श, समझ में आ रहा है? इसी को बोलेंगे क्या हम? र, जैसे राजा बोलते हैं, राजा, राजा के लिए आप ताला पे ले आए देखो राजा, लेकिन होता क्या? राजा, क्या बोलते हैं? राजा। रानी बोलते हो तो रानी को तालों पे लेके आओ, देखो रानी बोलते हो, रानी जीभ कहाँ है? दंत की तरफ बढ़ रही है ना, आपको कहाँ बोलना है? कहाँ से बोलना है? मूर्धा से। तो क्या बोलेंगे? रानी, क्या बोलते हैं? रानी। ये होता है सही उच्चारण, रा का उच्चारण यही होता है। और अंग्रेज ऐसे ही बोलते, देखा होगा आपने, और हम लोग मजाक बनाते हैं उनकी, कह रहे मूर्ख है। नहीं, कभी कभी मूर्खता आपके अंदर होती है और आप दूसरे को मूर्ख समझ रहे होते हो, बात समझ मारी? नहीं तो इसका सही उच्चारण क्या हुआ? र, क्या होता है? र, समझ मारा है? कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है आगे आ जाओ, स्वर देखो इसके, स्वर तो मूर्धा से उच्चारण होने वाला स्वर बताओ कौन होगा? री होगी, री, री बोलोगे इसे, री बोलोगे, री, री कहाँ से बोल रहे हो आप? देखो अपने आप देखो आपकी जीभ कहाँ है? री, री दांत पे टकरा रही है, आपको बोलना कैसे? री, क्या बोलना है? री, बोलो री, आ रहे समझे? मतलब मूर्धा से बोलना है, आप जब अभ्यास करोगे तभी आपको बोलना आता है, वैसे नहीं आता है, क्योंकि हम बचपन से जो चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं तो उनको अचेतन मन से मिटाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हम वो कार्य कर सकते हैं। जब लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हम वो कार्य को कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, तो समझ में आ गया। क्या बोलेंगे उसको बताइए बेटा, आप बताओ। हाँ री बोलो, री, जीभ को गड्ढे में ले जाओ और वहीं पर आवाज़ मार दो उसकी, री की है ना, री, थोड़ा तिरछा करके री, समझ में आ रहा है? ठीक है, बड़ा हंसी आ रही है लोगों से, मज़ा आ रहा है लोगों को बहुत। देखिए तो समझ में आ गया, लेकिन हम लोग, हमें पता री बोलेंगे हम इसे बार बार, क्योंकि हमारी आदत पड़ चुकी है। ठीक है तो फिलहाल आप ध्यान रखो उनको। चलिए तो ये कितने हो गए? पाँच ये, और दो कितने हो गए? ये सात, और ये स्वर कितना हो गया? एक। नोट करो फटाफट। क्या किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप रिस्पॉन्स दो वरना हमें भी नींद आ जाएगी। ऐसा लग रहा है हम लाइव क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बोर्ड पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसे तो हम घर पे ही पढ़ा लेते बैठ के।
सही है, लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स दो। सोए वाले बच्चे होते हैं उसमें थोड़ा सा बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है बोलते हुए, चला हम ही बोले बड़े हैं। लेकिन ये आपकी गलती नहीं है, आज व्रत की गलती है। सही है, मना ही कर रहा है, बिल्कुल एनर्जी है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आ गया कौन, मूर्धा के बाद कौन आएगा? मूर्धा के बाद कौन आता है? दंत आता है। दंत क्या आ जाएगा? दंत। और दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे, क्या कहलाते हैं? दंतोष्ठ वाला कौन है ये? अरे बाप रे, दंत दांत में ओष्ठ जुड़ेगा तब वो दंतोष्ठ कहलाता है। सही है, हाँ चलिए कोई नहीं। हाँ जी, क्या बोलते हैं इसको? दंत बोलेंगे, दंत। अरे बहुत बड़े, हाँ ऐसी आवाज़ आनी चाहिए बिल्कुल। अब नहीं लग रहा व्रत है नहीं है। सही है, चलिए लिख लिया दंत, तब लिख लो इसको। चलिए वर्ण कौन आने वाला है इसमें? ता आने वाला है। कौन? अरे ये वाले मिटा दिए हमने, चलो एक बार लिख देते हैं। कौन कौन थे हमारे यहाँ पे? या था, रा था, ला था, और कौन था? वाह, ये तो थे। ठीक, नीचे वाले कौन थे? और कौन था? सा के बाद कौन था? ये तो मिट गए थे, ये भी चले गए, और ये भी चले गए। नीचे वाले कौन कौन चले गए थे? री तक चले गए थे शायद, तो री के बाद कौन कौन बच गए थे? वो बचे हुए हैं, बाकी चले गए थे। तो ओ, अब यहाँ पे समझते चलेंगे। चलिए तो तावर्ग आ गया। तावर्ग मतलब ऐसे उच्चारण जो कहाँ से हो, जीव का स्पर्श किससे हो? दांत से हो। किससे हो? दांत से हो। तो तावर्ग आप बताओ बेटा, तावर्ग लिखवाओ, जरा तावर्ग लिखवाओ, वर्ण लिखवाओ तावर्ग के, बोलो कहाँ? ता और था, फिर कौन आएगा? धा के बाद ना, सही यही होगा। तो जरा बोल लो दांत से, देखो ता, दा पे टकना चाहिए, ता थ दा धा ना, ता था दा धा ना, ये तो नॉर्मल बोलोगे। जीभ आपकी लगातार स्पर्श करती रहनी चाहिए किसको? दांतों को। आपका उच्चारण अपने आप क्या आता जाएगा? सही आता जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके बाद और इसके अलावा तावर के अलावा और कौन आ जाता है इसमें? तो देखिए कौन कौन है इसमें, ला और सा, ला और सा। जो देखो ये तो आपको याद रहता है, सवाल जो फेंकेगा आपको ना वो यहाँ से फेंकता है। जो हमने अतिरिक्त वर्ड लिखवाए ना आपको अलग से, उन्हीं वर्णों में सवाल पीछता, क्यों हमें पता है बच्चा याद नहीं करता है, याद तो करता है, याद करी हमेशा हमेशा भूलोगे, लेकिन जो आपका आधार तैयार करा हुआ हुआ वो कभी नहीं भूलोगे, ध्यान रखना। सही है, तो आप पता दंत वाला है तो एक दो तीसरे के बाद बढ़ गए लोग कौन से हैं, तो आपके कौन से आ जाएंगे? ला और शाह। तो इसको बोल के दिखाओ, ला और फिर सा, ला शाह, ला सा, क्लियर हो गया? अभी एक साथ उच्चारण करवाएंगे बाद में। क्या कोई स्वर है इसके साथ? हिंदी में कोई स्वर नहीं है, लेकिन संस्कृत में स्वर होता है, समझ में आया? तो अगर पूछे हिंदी वर्णमाला में ऐसा कौन सा उच्चारण स्थान है जिससे किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है, तो आप क्या बताओगे? दंत होता है। ठीक है, तो ये लिख लो, ये पांच ये वाले हो गए और दो ये हो गए, तो टोटल संख्या कितनी हो गई? सात हो गई। और कोई स्वर नहीं होता है, जीरो स्वर की बात करी गई है। आगे बात कर लेते हैं, दंत के बाद कौन बचे आपके? ओष्ठ। तो ओष्ठ से बोले जाने वाले क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, हैं, क्या कहलाते हैं? ओष्ठ कहलाते हैं। ठीक, अब आगे आ जाइए इसमें। ठीक है, ओष्ठ में कौन आएगा आपका, जिनका उच्चारण किससे होना चाहिए, वो टकराने चाहिए, तो वो कौन आ जाएगा इसमें? पावर्ग आएगा। कौन आएगा? पावर्ग। और पावर्ग के साथ कौन आ जाएगा? देखो कौन बचा है, ये वाला, तो क्या ये इसमें आता है? बोलो यस या नो, क्या इसमें आता है? ये बा आता है, वाह वाह, लेकिन इसका उच्चारण अलग भी रहता है, ध्यान रखना। हाँ, ये आपका इसमें भी रहेगा और इसका अपना उच्चारण अलग भी रहता है, ध्यान रखना। सही है, चले अब इसमें देख लेते हैं स्वर। स्वर बताओ कौन कौन होंगे आपके? अब तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा, तो पा का उच्चारण पा फा बा भा मा, क्लियर है ना? और उसके बाद कौन आ जाएगा? वा। लेकिन ये वा एक अलग कैटेगरी में भी रखा जाता है, ध्यान रखना। क्या रखा है? अलग कैटेगरी में होगा, ध्यान रखना। चले ये आपके क्या हो गए? उच्चारण स्थान हो गए। कोई उच्चारण स्थान बचा? अब आपको सर ये कहाँ रह गए? ये चार कहाँ हैं? ठीक है, इनको हम लोग अलग से समझते हैं। ये चार कहाँ हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे? अलग से समझेंगे। तो देखिए ये कौन से होते हैं आपके, इधर वा बचा हुआ तो वो भी पूछ लेगा। तो देखिए हमारे पास रहते हैं कौन? ए ऐ रहते हैं, और कौन रहता है? ओ और औ। क्या आप इनको रटोगे?
क्या इनको रटोगे कि कौन होंगे? सही नहीं रटना है, यहीं से बना लेंगे हम इनको। देखो ध्यान समझना इनका उच्चारण स्थान क्या होगा। ए को ब्रेक कर दो, क्या कर दो? ए को ब्रेक कर दो, किसके साथ होता? आ और ई के साथ। आ का उच्चारण स्थान हम बता चुके हैं, बोलो यस या नो, कंठ। ई का उच्चारण स्थान बता चुके हैं, कौन? तालु। कौन होता है? तालु। दोनों को मिला दो तो ये क्या बन जाता है? कंठ तालु। तो इनका उच्चारण स्थान क्या रहेगा? कंठ तालु। तो इनको रटने वाली चीज़ है क्या? नहीं रटने वाली, समझ में आ रही बात? नहीं। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु। तो ए और ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया आपका? कंठ तालु। अब इसको रटो घर पे बैठ के, हो गया याद? क्यों याद करना जरूरी? इसको आ जाओ, चलो इसको भी ब्रेक कर लो। हाँ बताइए, आ जाएगा इसमें और कौन आ जाएगा? ऊ। तो आ का उच्चारण स्थान कौन है? कंठ है। और ऊ का उच्चारण स्थान कौन है? ओष्ठ है, बताया था अभी। और दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? कंठोष्ठ। क्या बन जाता है? कंठोष्ठ। क्लियर हो गया? और कोई बचा है? बा और बचा है, बा। तो बा का भी बता दो, चलो ये जल्दी जल्दी नोट कर लो। नोट हो गए? नहीं, जल्दी नोट करो, नोट करो। हो गया नोट? रफ करें क्या? संजय देखो कोई बुला रहा है। हाँ कर दे रहा फिर इसको, कोई दिक्कत है तक? चले आगे बढ़े। अब क्या रह गया आपका यहाँ पर? वा रह गया, बा। चलिए बा को भी देख लेते हैं, बताइए वा का उच्चारण स्थान क्या होगा? बा का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंतोष्ट होता है या दंत होता है? कौन होता है? दंतोष्ट। लेकिन ये कंडीशन पर डिपेंड करता है, सही है? ये वैसे तो आपका दंत से उच्चारण था, है ना, लेकिन इसमें वा बोलते हैं। देखो वा, समझो ध्यान से, वैसे हम लोग क्या बोलते हैं? दंत वाला क्लियर नहीं माना जाता, इसका ध्यान रखना। दंत वाला जो है वो उच्चारण स्थान इसका क्लियर नहीं माना जाता, उसको कट मार दो वहाँ से, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये दो इस्तेमाल हो जाते हैं इसमें। देखो वा दांत से भी बोला जा रहा है और इसके ओंठ भी चुक जाते हैं, वा बोलते हैं वा। अब आपको सर बा भी आना चाहिए, आप देखो आपको कन्फ्यूज होते हैं ना, उनको दूर करते हैं। तो दंत से उसको उड़ा दो, दंत से उसे क्या कर दो? उड़ा दो। बा वहाँ रखो ही मत, वरना आप कन्फ्यूज रहोगे। दंत में कभी भी बा रखो ही मत, सही है? सिर्फ रखना कहाँ आके, अलग आके रखना है इसको। तो देखिए अब आपको सर ये वाला भी फिर होना चाहिए। पहले देखो ध्यान समझो, जब दो वर्ड अगर इस्तेमाल हो रहे होते हैं ना तो उनको समझा करो ध्यान से। आप कह रहे हो सर अगर आप, हमने कहा कि दंतोष्ट होगा तो आपने कहा सर फिर ये भी दंतोष्ट होना चाहिए क्योंकि ये दोनों होते तो ऐसे ही हैं, लेकिन नहीं, उच्चारण दोनों का अलग होता है। इसको क्या बोलते हैं? बा। क्या बोलते हैं? बा। और उसे क्या बोलते हैं? वा। क्या बोलते हैं? वा। तो ऊँट इसमें ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं या उसमें हो रहे हैं? ऊपर वाले में। तो ध्यान रखना इसमें क्या होगा आपका? दंत से भी इसका उच्चारण स्थान हो जाता है और कहाँ से होता है? ओष्ठ से। तो इसको मिलाकर क्या लिखना है हम इसे? दंतोष्ठ। क्या बोलते हैं इसे? दंतोष्ठ। तो ध्यान रखना इसको नहीं होगा, ये दंत में ही जाएगा। तो ध्यान रखना इसको, नोट कर लो और दंत में से हटा दो उसको वहाँ से। नहीं नहीं बच्चे नहीं, वहाँ नहीं बता रहे हम, बच्चे कहते ना कि मतलब कैटेगरी में बा लास्ट में बचा है तो इसे दंतोष्ठ में डाला जाता है, लेकिन नहीं होता है, ये अपने आप में क्या रहता है? अलग रहता है, सही है? तो दंत में कभी भी बा को इंक्लूड नहीं करेंगे, उसे कहाँ रखेंगे आके? दंतोष्ठ में। अगर बा का उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछता है तो आप कहाँ बताएंगे? दंतोष्ठ बताएंगे, ना कि दंत। तो फिर वहाँ लिखना भी नहीं है, लिख तो नहीं लिया था क्या? दंत में लिखा था नहीं, नहीं तो बात खत्म बस। तो भाई फिर कोई बात ही नहीं है, ओष्ठ में लिखवाया था तो उसे हटा दो वहाँ से, वो नहीं होगा वहाँ पर। हाँ ना, अगर उस पर वहाँ पर लिखा है तो हटा दो। इसका सही उच्चारण स्थान क्या रहेगा? दंतोष्ठ रहता है। क्या रहता है? दंतोष्ठ। ये दांत और ओठ दोनों से बोला जाता है, इसलिए से क्या बोलते हैं? दंतोष्ठ बोलते हैं। आगे यहाँ तक समझ में? कोई दिक्कत? सारे वर्ण क्लियर हो गए? कोई रह गया अभी यहाँ पे? हाँ जी, किसके? ओष्ठ के। हाँ और कोई है ही नहीं, और दो स्वर होते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत?
बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? चल कोई दिक्कत नहीं, सारे उच्चारण से समझ में आ गए? ऐसा कोई जो रह गया हो आपका? नहीं सही है। देखिए अभी बता रहे हैं, हाँ उन्हीं को बता रहे हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर हमारे जितने भी वर्ण थे हमने सारे करा दिए आपको। अब कुछ क्वेश्चन इनसे पूछ लेता है तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे अभी आप बता रहे हैं कि सर हमारे पास उरुष्य स्वर की बात कही थी आपने, किसकी बात की थी? उरुष्य स्वर कौन सा होता है? तो जो विसर्ग होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नोट करो इसे, विसर्ग स्वर हो जो होगा उसे क्या बोलेंगे हम? उरुष्य स्वर कहा जाता है। विसर्ग को क्या कहेंगे? विसर्ग को क्या बोलते हैं? क्या हुआ? सही है। उस दिन हमने आपको एक वर्ण बताए थे, कौन से आपके ये दो वर्ण बताए थे सही है, जिसको क्या बोला गया था? इसे सबसे पहले आपने बताया था कि सर ये द्विगुण होते हैं। क्या होते हैं? द्विगुण होते हैं। फिर हमने आपको बता दिया कि ये ताड़न जात भी होते हैं। बोलो यस या नो? ताड़न जात है ना। और कौन बताए थे? कौन बताए थे? उच्छिप्त बताए थे। और बताओ और क्या बताए थे? ये सब वर्ण लगा सकते हो आप। लिख लिया? दो गुण समझ में आ गए, ताड़न जात और उत्क्षिप्त। और कुछ बताया था? निर्मित, ठीक है। और आ गया एक नाम आपका, कौन? निर्मित। ये बहुत आते हैं, ये कुछ ऐसे वर्ण होते हैं ना, ये रिपीट मारते ही मारते हैं। निर्मित हो गया। और बताइए, और बताओ क्या बोलते हैं इन्हें? जल्दी बताइए, लिखो। संकर वर्ण बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं? संकर वर्ण। अगर आपसे पूछा जाए कि संकर वर्ण कौन से हैं, संकर वर्ण क्या बोलेंगे इनको? संकर वर्ण। और क्या बोलते हैं? आधुनिक वर्ण। आधुनिक वर्ण, ठीक है। और बताइए क्या बोलते हैं? थोड़ा ये आप लोग, ये आया आपका रिविजन चला था तो हम एनी चीज़ों को पकड़ते कि इनमें क्या क्या चीज़ होते हैं। और बताइए क्या बोलेंगे? संकर हो गए, लेको नवीन वर्ण। नवीन वर्ण बोलते हैं। संजय वापस आ गया? कहाँ गया? अच्छा, नवीन वर्ण बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? नवीन वर्ण। और क्या बोलेंगे इसे? संकर वर्ण। और क्या बोलते हैं? निर्मित। और क्या बोलते हैं? उत्क्षेप। ताड़न जात वर्ण और द्विगुण वर्ण और आधुनिक वर्ण। और बताओ क्या बोलते हैं? आज के बाद ये गलत नहीं होंगे आपके। जल्दी बताइए और क्या बोलते हैं इनको? और क्या बोलेंगे? लिखो इसे। उत्सृप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष। हाँ उत्सृप, इसरा इसरा उत्सृप। क्या बोलते हैं? उत्सृप वर्ण। क्या बोलते हैं? उत्सृप। और बताइए द्विस्पिष्ट बोलते हैं इसे। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? द्विस्पिष्ट। द्विस्पिष्ट क्या बोलेंगे इसे? द्विस्पिष्ट। क्या बोलते हैं? द्विस्पिष्ट बोलते हैं। और बताइए और कुछ बोला जाता है ना? इतने ही पढ़े सही? दो ही पढ़े थे। चलो बाकी थोड़ा बहुत और बाकी बाद में रखते हैं, सही है। देखते हैं कैसे गलत होते हैं तुम्हारे क्वेश्चंस। फटाफट बताइए, हो गया क्लियर? तो क्या कभी भी इसमें से गलत करके आओगे? नहीं आओगे ना। चलो नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है ना। रफ कर दें अब, आने दो मैदान में, आने दो सही है। अभी रुको, हिंदी खत्म कराना दो, नहीं गड़बड़ करोगे आप, अलंकार गलत नहीं करोगे अब सही है, जो आपकी पढ़ाएंगे जो वाले सही है, ध्यान रखना। रफ कर दें, ठीक रफ कर देते हैं इनको। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत? बोलो यस या नो? ये हाँ ना नहीं बोलते हो आप लोग, गलत बात है ये। हमने आपसे कहा मॉनिटर क्या करते हैं आप, जल्दी बताया गया तुरंत आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। ये आपके समझ में आ गए? इसके बाद एक वर्ड और लिया जाएगा, चलो वो आगे बता दें, यहीं बता दें। आपका रा है ला है ना, तो वहीं बता देंगे, अभी आगे आएंगे वो। यहाँ तक समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब हम लोग बात बढ़ते हैं कहाँ, उच्चारण के स्थान पर हो गया, तो अब नेक्स्ट डालो। व्यंजनों का उच्चारण स्थान पर हो गया था स्थान, अब अगला लिखो। लिखो अध्ययन की सफलता हेतु,
अध्ययन की सफलता हेतु। अगला जो वर्गीकरण आएगा वो कौन आएगा? अध्ययन की सफलता हेतु, ठीक है। इसमें भी आपके पार्ट्स रहते हैं, इसके अंदर भी क्या रहते हैं? पार्ट्स रहते हैं। उसमें पहला लिखो वर्णीय व्यंजन, वर्णीय व्यंजन कौन होंगे? वर्णीय व्यंजन। सही है, वर्णीय व्यंजन जो होते हैं ये दो पार्ट्स के होते हैं। एक होते हैं आपके स्पर्श, क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन, और दूसरे होंगे संघर्षीय स्पर्श। दूसरे कौन कहलाते हैं आपके? संघर्षीय स्पर्श, संघर्षीय स्पर्श। आगे समझ में? तो सबसे पहले बात करते हैं किनके हम, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। पहले ही पूछा जाएगा आपसे क्या कि स्पर्श व्यंजन क्या है, तो कौन बताने वाला है? जल्दी बताओ फटाफट स्पीड से, बताओ विजय, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? डिफाइन करके पूछा तो कैसे बताओगे? जिनका उच्चारण करते हुए जो हवा है वो मुख से क्या आ जाए? बाहर आए। क्या आए? बाहर आए। वो सब आपके क्या कहलाते हैं? स्पर्श कहलाते हैं। और प्रत्येक जो वर्ग होता है ना, प्रत्येक वर्ग होगा, क्या होगा? प्रत्येक वर्ग होगा, जैसे ककार हो गया, फिर कौन हो जाएगा? चकार, फिर कौन हो जाएगा? टकार, फिर कौन हो जाएगा? तकार, और फिर कौन हो जाएगा? पकार। इनके जो वर्ण होते हैं, का का पूरा वर्ण क्या हो जाएगा आपका? का, खा, गा, घा, कौन? अंगा। चा का बताओ, चा, छा, जा, झा, और कौन हो जाएगा? यहाँ। टा का बताओ, टा, ठा, डा, फिर ना। उसके बाद कौन आ जाएगा? ता, था, दा, दा होगा, दा, फिर कौन होगा? धा, ना। पा के बताओ, पा के बाद आ जाएगा पा, फा, फा के बाद है जी बा, भा। तो ये सारे जो वर्ण हैं यही आपके क्या कहलाते हैं? स्पर्श कहलाते हैं। और जिनकी संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 25। तो अगर आपसे पूछता कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, तो आपको 25 होगी। कितनी होगी? 25। कहीं कहीं 27 भी होती है। क्या होती है? 27। लेकिन कतई भ्रमित नहीं होना है आपको, सीधे सीधा पढ़ेंगे कितनी? 25। कितनी? 25। सही है। अब आपको सर 27 होती कैसे? आप एक सही समझ लो भाई, 25 तो ये वाले हो गए, इसमें आपके वो आ जाते हैं द्विगुण वाले। कौन आते हैं? द्विगुण वाले। अगर हम द्विगुण को कर लेते हैं, लेकिन कहीं भी द्विगुणों की चर्चा हमारे उसमें वर्णमाला में नहीं है, वो अलग से रखे गए हैं। समझ में आ रही बात? तो अगर पूछा जाए तो आप डायरेक्ट स्पर्श की संख्या बताओ कितनी? 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी? 25। बात समझ में आ गया अभी तक? कभी कभी कुछ चीज़ों में ज़्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं होती। जैसे लोग कुछ बता देते हैं कि 27 हैं, 28 हैं, 30 हैं, कहते लियो पढ़ो, तो पागल हो गए, जो आएगा वही भूल जाओगे आप। तो यहाँ पर आपको अधिकतम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपसे नॉर्मल पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो आप कितने बताओगे? 25। अगर आपसे कहा है कि मूल स्पर्श कितने होते हैं, यहाँ समझो चीज़ों को, अब देखो मूल स्पर्श बताओ, मूल स्पर्श कितने होंगे? तो उसमें से ये जो लास्ट वाले नंबर होते हैं ये वाले, इनको हटा दिया जाता है, तो मूल कितने बचते हैं? 16। चार चार तो होंगे ये, 1, 2, 3, 4। कितने हो जाएंगे आपके? 20। तो मूल स्वरों के मूल स्पर्श की संख्या पूछेगा तो आप कितनी बताओगे? 20। समझ में आ गया? और अगर कभी कभी मूल सॉरी स्पर्श पूछता है और अगर 25 ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आप कितना लगा के आओगे? 20। आ गया बात समझ में? नहीं तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो किसी कोई दिक्कत हो तो। ठीक, आगे बढ़े। अब कौन आएगा हमारा? संघर्षीय स्पर्श। ये बताओ क्या होते हैं? तो हमने अभी बताया था स्पर्श में कि जो हम लोग उच्चारण करते हैं तो उसमें वायु मुख्य द्वारा कहाँ आएगी? बाहर आएगी। अब यहाँ पर संघर्ष जुड़ा हुआ है, तो संघर्ष मतलब रगड़ कर आएगी, फिर क्या आएगी? रगड़ कर।
तो जिन वर्णों के उच्चारण में जो वायु है वो रगड़ के साथ बाहर आती है, किसके साथ आती है, रगड़ के साथ बाहर आती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संघर्षीय स्पर्श बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघर्षीय स्पर्श। देखिए अगर हम लोग काखा खागा बोलते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं है, लेकिन चा वर्ड बोल के दिखाओ। मैं देखो तालु से पूरी तरह टकराएगा वो, लिखो चा, लिखना नहीं है पर सुनो, चा छ जा झा आ रहा, देखो फिर टकराओ, चा छ जा झा, फिर कौन आएगा, यहाँ, तो यहाँ को जा टकराया नहीं भाई, टकराया कौन, चा। अगर आप दो मिनट अगर बोलने लगो ना लगातार तो जीभ छुल जाएगी आगे की। देखो बोल के चा छ जा झा चा छ जा झा, तो इन्हीं में क्या होता है, संघर्ष होता है। क्या होता है? संघर्ष होता है। तो पूछता है कि संघर्ष की संख्या कितनी होती है, तो लिखो चार होती है। कौन कौन सी होती है? चा छा जा और झा। तो अगर संख्या पूछेगा तो कितनी बताओगे आप? चार बताओगे। कितनी बताओगे? चार। फटाफट नोट करो। ठीक है, इसी के बाद आते हैं कौन, अंथायस्थ। ये रफ कर दे, कौन आएंगे अगला, अंथायस्थ। इसी के बाद आते हैं कौन, तीसरा नंबर था ये दूसरा, जो भी हो डाल लो। तो आ जाएंगे कौन, अंतायस्थ। क्या होते हैं अंतायस्थ? क्या होते हैं अंतायस्थ? देखो स्वर और व्यंजन के बीच की इकाई, स्वर और व्यंजन के बीच की अगर इकाई पूछता है, ये स्वर भी रहते हैं और क्या रहते हैं, व्यंजन भी रहते हैं। तो आधे स्वर और आधे व्यंजन के बीच की क्या है, ये इकाई है। ठीक है, ध्यान रखना क्या है, इकाई है। कौन कौन होंगे इसमें, तो आप बताएंगे या रा ला और फिर कौन आता है, बा, यही होते हैं। अगर अर्धस्वर पूछे जाएगा तो कौन आएगा इसमें आपका, या और बा। तो ये दोनों आप लिख लो कौन होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। ये दोनों कौन होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। ठीक है ना, या और बाई अर्धस्वर होते हैं। हाँ, अब आ जाओ कौन, रा पे। ठीक है, रा को क्या क्या बोलते हैं, रा को क्या क्या बोला जाता है, हैं, लंगोटी तो बोलते हैं और प्रथम वर्ण प्रकंपित, गुड लिख लो, और क्या बोलेंगे, पहला वर्ण कौन बताया आपने, लंगोटित या लंगोटित, हाँ लंगोटित, गुड, राको राको लोग गुठे थे ना, सही है, लुंठित। हाँ, लुंठ क्यों कहते हैं इसको, जब हम रा बोलते हैं ना तो हम अपने जीभ को घुमा देते हैं, देखो रा, जब हम रा को बोलेंगे ना, इसे लंगूठित क्यों कहते हैं, लुंठित क्यों कहते हैं, क्योंकि घूम जाता है, देखो रा बोलते हैं, रा, तो जीभ का अगला हिस्सा पलटा हुआ होता है, देखो रा बोलते हैं, बताया भी था हमने ये, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसे, लुंठित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुंठित। और बताओ क्या बोलते हैं, प्रकंपित, लिख लो फटाफट, क्या लिखेंगे इसे, प्रकंपित, प्रकंपित। अब बताओ इसके अलावा, जल्दी बताइए, सॉरी, हाँ और बताइए क्या बोलते हैं इसे, लिखो कंपन जात बोला जाता है इसे, कंपन जात, और क्या बोला जाएगा इसे, कंपन जात बोला जाता है। अंतायस्थ तो ये होता ही होता है, बोलो यस या नो, महाप्राण अलप्राण ये तो बात की बात है, वो तो हम साथ करा ही देंगे आपको, है ना, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। और किसी कुछ याद हो तो बताओ, हो गया क्लियर, यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आपके अंतायस्थ समझ में आ गए। अब कौन बचा आपका, ला, ला को बताओ और क्या बोलते हैं, ये नोट कर लो आप, ला को पहला तो पता ही होगा आपको, ला को क्या बोला जाता है, हैं जी, और क्या बोलते हैं ला को, कुछ और बोलते हैं, कौन सा बोला, पार्श्व बोला जाता है, कौन बोलते हैं, पार्श्व, लिख लो, पार्श्व बोला जाता है। ठीक है, बताइए और कोई दिक्कत यहाँ तक, बा बताओ, बा क्या होगा आपका,
बा बा अर्धस्वर होते हैं दो। हिंदी में कितने अर्धस्वर? दो। संस्कृत में कितने? चार। ये चारों क्या माने जाते हैं? अर्धस्वर। अंतर्यास क्लियर हो गए? आगे लिखो आप ऊष्मीय। कौन आएंगे अगले? ऊष्मीय। ऊष्मीय इनमें ऊष्मा निकलती रहती है, तो कौन कौन से होंगे? यही होते हैं चार ऐसे वर्ण जिनके बोलने में क्या हो? ऊष्मा का क्या हो? हास हो, यानी ऊष्मा बाहर निकले, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? ऊष्मे कहलाते हैं। कौन कौन से होंगे आपके? सा शा सा होते हैं, ध्यान रखना। कौन कौन होते हैं? चले आप बताओ इधर मॉनिटर। हाँ, शा का उच्चारण स्थान बताओ। गलत बात है ये। सा का उच्चारण स्थान एक तो आपको याद करवा रहे हैं, फिर बताइए कोई दिक्कत आता है? चलिए इसको बोलिए शा। क्या बोला जाएगा? एक बार दोबारा रिपीट करा रहे हैं। शा, फिर कौन होगा? शा, फिर कौन होगा? सा, और फिर कौन होगा? हा। आ गया समझ में? तो ये हमारे सब क्या कहलाते हैं आपके? चारों ऊष्मे कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं? चारों ऊष्मे कहलाते हैं। फटाफट नोट कर लो। नोट कर लिया? आगे बढ़ जाए हम। ठीक, अगला लिखो हेडिंग। अब किसके आधार पर आएंगे अगले? अब नाद या घोष के आधार पर लिख लो। नाद या घोष के आधार पर, किसके आधार पर? नाद या घोष के आधार पर कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने होंगे? दो होंगे। ठीक है, नाद या घोष के आधार पर कितने होंगे? दो होंगे। पहले आएगा कौन? अघोष। पहले कौन आएगा? अघोष। दूसरा क्या होता है? सघोष। और सघोष को ही क्या बोलते हैं? घोष। क्या बोलेंगे? सघोष। ठीक है, इनको समझ लेते हैं फटाफट। हमने अघोष पहले क्यों रखा? आपके माइंड में आता होगा, सर हमने अघोष पहले आपने क्यों रख दिया, बाद में क्यों रखा? इससे हमें क्रम याद रहता है इनका, है ना। अघोष में नंबर जो रहता है वो क्या रहता है? पहला, और बाकी बचे हुए कहाँ चले जाते हैं, है ना। यानी कि पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाएगा? अघोष। और प्रत्येक वर्ण का तीसरा चौथा वर्ण क्या कहलाता है आपका? चीजों को लिंक करना, रटना मत भाई। कैसे याद रखोगे आप अघोष को? वैसे याद नहीं रहते ना, तो आप पहले कहोगे अघोष पहले रखेंगे और सघोष बाद में रखेंगे। तो जो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है वो हमारे अघोष में आ जाते हैं, और बाकी बचे हुए कहाँ चले जाते हैं? सघोष में। ध्यान देना यहाँ पे। तो इसका मतलब हुआ पहला वर्ग का मतलब कौन होगा? का और खा किस में आ जाएंगे? बोलो, चा और छा किस में आ जाएंगे? ता और ठा किस में आ जाएंगे? फिर कौन आएगा? ता और था, पा और फा। ये सारे वर्ण कहाँ होंगे आपके? प्रत्येक वर्ग का, लिखना चाहो लिख लेना, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा कहाँ चला जाता है आपका? अघोष में। और बाकी कहाँ चले जाते हैं? सघोष में। लिख लोगे आप? तो खा के बाद कौन बचा? गा, घा और कौन? अंगा। इधर कौन बचा? जा, झा और कौन? यहाँ। अगला कौन बचा यहाँ पे? टा के बाद कौन आएगा? फिर कौन बचा था के बाद? ता, था, दा और धा। फिर कौन? ना। इसके बाद कौन बचा? पाफा चला गया, तो बा, भा और मा। तो ये सारे वर्ण आपके क्या कहलाते हैं? सघोष। याद करने के लिए आपको सिस्टम रखा हमने, सिस्टम से पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। अब याद हो गया तो बताइए भाई, घोष के आधार पर पहले अघोष, पहला दूसरा, फिर कौन? सघोष, तीसरा चौथा पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। और तीसरा चौथा क्या कहलाता है आपका? सघोष कहलाता है। कभी भी मेरे हिसाब से आपको नहीं भूलना चाहिए, याद रहेगा ना। तो पहले किसको रखेंगे? अघोष को। और पहले ही पकड़ लो, अघोष पहले आएगा तो पहले दूसरे वर्ण ही पकड़ लो, और बाकी छोड़ दो किसके लिए? सघोष के लिए, याद रहेगा। लेकिन लफड़ा कहाँ होता है? जब हम अंतायस्त या क्या रखते हैं, जहाँ पर अंतायस्त और क्या रखते हैं? ऊष्मे रखते हैं, वहीं पर हमारा क्या हो जाता है? लफड़ा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है भाई, देखो अघोष है, क्या है? अघोष है। और ये क्या है? सघोष। सा का मतलब होता है आसानी से होना कोई चीज़ हासिल, भाई सा का मतलब क्या होता है? साथ, यानी कोई जिसका साथ मिल गया हो। और अघोष, आ का मतलब क्या होता है? जिसका नहीं मिला हो।
अब देखिए, अगर आपको नौकरी मिल गई, समझो ध्यान से, दिमाग में चीज़ों को याद रखोगे तब आपको याद रहेंगी, और वैसे रटोगे तो रट्टा मारते रहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको याद करना है नहीं करना वो आपकी हेडेक है। आपको अगर बुरा लग रहा है हमारी बातों का तो आप कान बंद कर लिया करो, मत सुना करो, सही है। और जिनको लग रहा है हमें फ़ायदा देंगी वो चीज़ें तो वो याद रखा करो। एग्जाम में रटी हुई चीज़ें आप आधी भूल जाते हो, फिर आपका सेंस काम करता है दिमाग कि हमने उन चीज़ों को लिंक करके कैसे याद किया था। ना सुनना भाई, सगोश का मतलब क्या हुआ, जो चीज़ आपके साथ हो, यानी कि आपको मान लो नौकरी मिल गई तो फिर क्या आप ज़्यादा कोई संघर्ष करोगे? बोलो करोगे नहीं भाई, कहाँ करोगे, नौकरी बात कहाँ करते हो, आराम से मसरे के रह रहे होते हो। लेकिन अगर आपको नहीं मिली तो आप क्या करोगे, संघर्ष करोगे, और संघर्ष करोगे तो फिर क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। बात समझना भाई, किसी चीज़ पर आप संघर्ष कर रहे हो तो वहाँ से ऊष्मा उसे होती है, आपको पसीना आएगा नहीं आएगा, तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा। तो इसका मतलब हुआ जो ऊष्मीय व्यंजन होते हैं भाई, अगर आपको सफलता नहीं मिली है तो आप मेहनत करोगे, और मेहनत करोगे तो क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। तो जितने भी ऊष्मीय वर्ण होंगे, ध्यान रखना कौन होते हैं आपके, ऊष्मीय वर्ण, तो वो ऊष्मीय वर्ण कहाँ रखे जाएंगे, अघोष में। लिंक कर लेना, नहीं समझ में आ रहा तो बता देना। अभी शाह और शाह, इसमें सिर्फ हा नहीं रहता, हा इधर चला जाएगा, ध्यान रखना, हमेशा हा लड़ाई पर रहता है। तो जहाँ आपके ऊष्मीय रहेंगे वहाँ पर हा तो आता ही नहीं कभी, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है, नहीं आ समझ में, तो ध्यान रखना। अगर अघोष है, आपको कोई चीज़ प्राप्त नहीं हुई है, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, और जब हार्ड वर्क करोगे तो आपका क्या निकलती है उसमें, ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो ऊष्मीय वर्ण कहाँ रखे जाएंगे, अघोष में रखे जाएंगे। कन्फ्यूजन दूर कर रहे हैं, बहुत कन्फ्यूज होते हैं, हमें मालूम ही नहीं पड़ता कौन कहाँ रहेगा, सही है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि कभी भी ऊष्मीय जो होते हैं ना, उनमें हा की नहीं बनती है, कि जहाँ जिस रिश्तेदारी में ये जाएंगे उस रिश्तेदारी में हा नहीं जाएगा। तो फिर हा कहाँ चला जाएगा, इधर, कहाँ चला जाएगा, इधर। ठीक है, अब भाई नौकरी मिल गई तो आराम से रह रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ना व्यंजन है ना जो स्वर है, जो आसानी से रह रहे हो भाई, ना तो व्यंजन उन्हें परेशान करते हैं और ना ही कौन करता है, स्वर परेशान करते हैं, और वो आसानी से रह रहे हैं आराम से, तो वो कौन है, अंतायस्त है। फिर बात सुनना, कौन होंगे, अंतायस्त। तो फिर अंतायस्त कहाँ रखे जाएंगे, अंतायस्त कहाँ रखे जाएंगे, इन्हीं में रखे जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, या, रा, ला और बा, ये चारों कहाँ रहेंगे आपके, सगोश में रहेंगे। कहाँ रहेंगे, सगोश में। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, आगे बात समझ में नहीं, अगर अब भी लिंक नहीं कर पाए, याद नहीं कर पाए, तो फिर कोई हडक नहीं है। पहले आप किसको रखोगे, अघोष को, तो आपको पता जैसे ही रखा जाएगा वैसे ही प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या हो जाएगा आपका, बताइए जल्दी, पहला और दूसरा अघोष हो जाएगा, और फिर बाकी बच्चे क्या हो जाएंगे, सगोष हो जाएंगे। जहाँ ऊष्मा निकलेगी, जहाँ मेहनत करेंगे, तो वहाँ कौन आएंगे, ऊष्मीय आएंगे। और हा को हटाकर अलग रख दोगे, हा को हटाकर कहाँ रख दोगे, अलग, क्योंकि इनकी कभी बनती नहीं है। तो ऐसे लिंक कर लोगे तो कभी अघोष और सगोष आपके गलत होंगे ही नहीं। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो डालो फिर अगला, बस छोड़ रहे हैं, लिख ले, नोट कर रहे हो, कर लो बेटा नोट कर लो। चीज़ों को लिंक करा करो, रट नहीं सकते आप चीज़ों को जब तक चीज़ों को लिंक नहीं करोगे। अब हमें याद रहेगा भाई अघोष, मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करेंगे तो क्या होगा आपका, ऊष्मा, तो बस आ गए। यही कन्फ्यूज करते हैं ज़्यादातर, ये तो आप रट भी लेते हो लेकिन ये कन्फ्यूज कर जाते हैं, और ये तो बब्बा बहुत करते हैं, ये बहुत उधर भागते रहते हैं। समझ में आ रहा है, हाँ को इसमें रखा जाएगा, यही बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि बालक उठाकर यहाँ लगा देते हैं, सही, ध्यान रखना। हाँ क्या नोट कर लिया, गड़बड़ तो नहीं करोगे, अब लगा दोगे आराम से, अभी पूछूंगा लास्ट में। अब डालो कौन सा रहेगा लास्ट, जल्दी लिखो, बोलो, वायु या प्राण तत्व के आधार पर, वायु या प्राण तत्व के आधार पर, वायु या प्राण तत्व, तत्व के आधार पर, सही है। कितने प्रकार के होते हैं, दो, कौन कौन से, अरे एक मिनट रुको, पिछले वाले में स्वर लिखवाए थे नहीं, तो बस यही गड़ करोगे। देखिए पीछे वाले चले जाओ जरा, तो सगोश जहाँ लिखा है, सगोश, सगोश है ना, वहीं पर लिख लो, जो जितने भी स्वर होंगे वो सब सगोश में रखे जाते हैं। सगोश जहाँ लिखा हुआ है, जितने भी स्वर होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं, सगोश में रखे जाते हैं। कहाँ रखे जाएंगे, सघोष में, सभी स्वर कहाँ रखे जाएंगे, सघोष में। स्वरों को सघोष में रखने का जो कथन दिया था, जो एडवाइस दी थी कि सघोष, जो स्वरों को, स्वरों कोई पहचान तो है नहीं, बोलो, तो उनको उठाकर सीधे रख दिया गया था, तो कहाँ रख दिया गया था, सघोष में। तो इस स्वरों को रखने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है, तो लिखो कामता प्रसाद को। स्वरों को
सघोष में रखने का श्रेय किसे जाएगा? तो आप कहोगे कामता प्रसाद को जाता है। किसको जाता है? कामता प्रसाद को। नोट करो फटाफट, किसको जाएगा? कामता प्रसाद। लिख लिया, आ जाओ वापस जल्दी जल्दी। तो हमारे दो हो गए, कौन से? आज खत्म करा दो इसे। प्राण तत्व के आधार पर दो बोले जाते हैं, कौन कौन सा? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, महाप्राण क्या बोले जाएंगे? अल्प प्राण या महाप्राण। देखो वायु का मतलब क्या होता है कि मुख से वायु कम निकल रही है या ज्यादा निकल रही है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? अल्प प्राण। भाई कम निकलेगी तो अल्प प्राण और ज्यादा निकलेगी तो महाप्राण। तो आप अपने हथेली लगा के देख लो, हम बता भी चुके हैं कई बार ये, आप बोल के देख लो, पेन बंद कर लो फटाफट, लिख लो जल्दी जल्दी, लिखो पहले। लिखने पे ज़्यादा ना समझने पे ध्यान दिया करो, नोट तो बहुत सारे नोट्स पड़े होते हैं, बाकी हम रुक जाया करेंगे, आप लोग समझ लिया करो, क्योंकि समझ में नहीं आया तो फ़ायदा क्या हुआ फिर, है ना, आपकी कोचिंग का? सही है, नहीं समझ मारा क्या? हाँ तो सही, आप काफ़ी उदास हो जाते हो, समझने पे उदास होते हैं या फिर ना समझने पे होते हैं? सही। चलिए इधर ध्यान दीजिए एक बार और, देखो हम आपको समझाते हैं, रटने वाली चीज़ में रखो, रट तो ले गए, आपको किताब से पढ़ लेते हैं, आप यहाँ पे आए क्यों, है ना, आप समझ के जाइए तो आपको अच्छा रहेगा। भाई अल्प प्राण मतलब क्या होता है? जहाँ पर क्या हो, अल्प वायु हो, कम वायु निकले, और जहाँ पर ज़्यादा निकले वो क्या होता है आपका? महाप्राण होता है। तो हथेली लगाएंगे, देखो बोलो का, का वायु कम आई है बाहर, ज़्यादा कम, अब बोलो खा, खा ज़्यादा, तो इसका मतलब हुआ पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण कहाँ आएगा? अल्प प्राण में, और दूसरा वर्ण कहाँ जाएगा? अगला जाओ खा के बताओ, गा, गा, गा के बाद बोलो घा, ज़्यादा आ रही है तो गा में क्या आ रही है? कम, तो तीसरा यहाँ पर, और घा में ज़्यादा आ रही तो किस में? सही है ना, अच्छा कम वाली इसमें है, सॉरी कम इसमें है ना, तो चौथा यहाँ आ जाएगा। अच्छा अगला बोलो अंगा, अंगा ज़्यादा आ रही कम, कम, तो कहाँ आएगा ये? तो पहला तीसरा और पाँचवा, और दूसरा और चौथा क्या है? महाप्राण। पहला तीसरा पाँचवा अल्पप्राण, और दूसरा और चौथा क्या है? महाप्राण। और अगर भूल भी जाओगे तो हथेली आपके पास होगी एग्जाम में, अल्पप्राण महाप्राण बोल लेना, है ना, अगर कोई बोले भी तो कहना नकल मार रहे, तुम बताओ क्या करोगे? सही है, समझ में आया? तो बोल के देख सकते हो, आप रटोगे तो नहीं भाई? अल्प मतलब छोटी, कम वायु निकलेगी, आप बोल के देख लो, अभी कोई डाउट है क्या? बोल के घर पर भी देख लेना एक बार, नहीं छुपके कल ट्राई कर लेना, किचन में जाके आराम से खा, खा हाँ खा आ गया, हाँ सर सर ने सही बताया, सही प्रैक्टिकल कर लिया करो, सही प्रैक्टिकल पे ज़्यादा विश्वास करो। यहाँ तक समझ में आ गया? देखिए इधर, हाँ बहुत सीरियस पढ़ते हो आप लोग, हम सीरियस पढ़ा नहीं पाते हैं, बहुत सीरियस पढ़ रही क्लास अभी बैठ के, लग रहा है नहीं? हम सोए वाले बैच में होते तो आप तो बहुत गदर कट रहा होता, वो तो पूरे किकारे मारते हैं तेज तेज, सही, ये लोग बहुत शांत होकर पढ़ते हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी पढ़ते रहा करो, वरना बोरिंग हो जाते हो, हम भी बोर हो जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते, फिर अच्छी चीज़ नहीं पढ़ाएंगे आपको, अभी और भी चीज़ें हमारे पास। चलिए इधर ध्यान दो, देखो कितना खुश, अब खुश हो रहा है लास्ट में, इधर ध्यान दो बेटा, ठीक है, क्या हुआ? किचन की याद आ गई कुछ क्या? चलो इधर ध्यान दो, अब देखिए अल्प प्राण और महाप्राण है, अब आपकी एक समस्या और उत्पन्न हो रही है कि सर वो जो दो रहते हैं ना, अंथा या तो उसमें, ये बहुत मारते हैं पटक पटक के, बोले अब ये कहाँ रखे जाएंगे? तो देखिए ये अल्प है और ये कौन है? महा। जो लोग अगर महान बनना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे? हार्ड वर्क करेंगे, या घर बैठे बैठे महान बन जाओगे? भाई साहब पसीना सुखाना पड़ता, पसीना निकलना पड़ता बहुत ज़्यादा, घर पे बैठ के महानता हासिल नहीं करी जाती है। हाँ आप पास हो जाओगे, आपकी नौकरी लग जाएगी, ठीक है ना, लेकिन आप अपने आप को समाज में दिखा नहीं सकते। आप एक छोटा एग्जाम्पल मानिए, हमारे साथ के और भी लोग हैं, आप लोग तो हमारे सब पड़ोसी हो, हमारे लोग के और भी साथ के हैं, तो हम में और उनमें अंतर है, यस या नो? ऐसा नहीं कि वो हमारे साथ के नौकरी भी कर रहे हैं, भाई कर रहे हैं, देखो आप लड़का उनका कर रहा है, तो क्या जितनी प्रसिद्धि हमारी है क्या उसकी इतनी है? आज हमें यहाँ लोग जानते हैं, आज हमें लोग यूट्यूब पर जानते हैं, और भविष्य में हो सकता है और ज़्यादा जान जाए, तो क्या वो जान जाएंगे भाई? है नहीं, बदायूं वाले नहीं जानेंगे, बाहर वाले तो जानेंगे भाई, कमेंट आते भी अच्छे अच्छे, जल्दी ऐप बना लो तो हमें पहले क्लियर हो जाए, तब ऐप बनाया जाए, तो धाम से पढ़ाई होगी, ऐसा नहीं कि इतना ही मटेरियल है, मटेरियल बहुत सारा होता है, सही ध्यान रखना, तो हो जाती पहचान बताइए। तो हमने क्या करा, हम घर बैठे थे क्या, हमारी नौकरी जाती, हम इस बार नहीं पढ़ा रहे होते, घर पर आराम से रह रहे होते, वहीं पास में स्कूल है पहुँच जाते, बोलो बात सुनवा कि नहीं? लेकिन क्या करना है हमें, हमें तो आगे जाना है, ज़िंदगी वहीं ख़त्म नहीं करनी सिर्फ टीचिंग पर रह के, अगर काम बन गया तो फिर आगे पहुंच जाएंगे, और नहीं तो फिर आजकल प्लेटफॉर्म बहुत है पढ़ाई के, स्टडी कराना मजाक नहीं होती है, सही है? आज मुझे सारी चीज़ों की नॉलेज है तो क्या उसके पास है? अगर हम चार वर्ड उनसे पूछने तो उन्हें अब बात नहीं आएगी। हमें संविधान का पूरा ज्ञान है, हमें धाराओं का पूरा ज्ञान है, तो ये कहाँ से आ रहा है? हमारी मेहनत से आ रहा है, हमने रातें पढ़ी हैं,
वो रात में सोते होंगे, 40,000 उन्हें मिल रहे हैं, लेकिन हमें मिलने के बाद हमें संतुष्टि नहीं है। और मेरे हिसाब से आदमी को संतुष्टि होनी भी नहीं चाहिए। अगर जिस दिन आपको संतुष्टि हो गई, उस दिन आप आगे बढ़ने के लिए फिर आगे प्रेरित नहीं होंगे। अब संतुष्टि ये नहीं कि आप कोई गलत काम करने लगो, सन नहीं गाता बोले संतुष्टि नहीं मिली, सही है। मैं सही मार्ग पे जाने की बात कर रहा हूँ कि आपको अगर सही मार्ग पे जाना है तो कुछ बच्चे अलग ले जाते हैं, फिर आप कहते हैं सर नहीं बोला था ये बात, हमने इसलिए तो नहीं बोला था, सही है। चलिए आगे आते, तो अब हमें क्लियर करना कि अल्प प्राण में कौन रखे जाएंगे और महाप्राण में। तो अगर हमें महान बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना होगा। और जब कठिन परिश्रम करोगे तो क्या बहाया जाएगा, पसीना। और जब पसीना आता है तो क्या बहाती है, ऊष्मा। तो ऊष्मीय व्यंजन कहाँ आएंगे, ऊष्मीय व्यंजन कहाँ, महाप्राण में। तो लिख लो इसमें, इसमें क्या आते हैं आपके, ऊष्मीय आते हैं। और ऊष्मीय कौन होते हैं, शा शा और हा, इसमें आ जाएगा हा, ध्यान रखना। ये पहली बार ऐसा हुआ है 16-17 सारों में कि आपका हा इनके साथ है, मतलब वो छोड़े भाग जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो महाप्राण के साथ कौन, ऊष्मीय। क्या भूलोगे, कैसे भूल जाओगे, रटो क्यों भाई, महान बनना है, ऊष्मा खत्म करनी है, यानी कि हमें हार्ड वर्क करना है। और हार्ड वर्क करेंगे तो क्या करेंगे, हम ऊष्मा भाएंगे। क्लियर हो गया ना। अब देखिए अल्प प्राण में देखो, ना स्वर है ना व्यंजन है, वो कौन होते हैं, अल्प होते हैं भाई, ना उनका अस्तित्व तो स्वरों में है और ना ही व्यंजन में है, तो वो कौन हुए, अल्पित हुए। स्वर लात मारेगा तो उधर पहुंच जाएगा, व्यंजन मारेगा उधर पहुंच जाएगा, उसका कोई बहुमत नहीं है, तो वो क्या कहलाते हैं, अल्प कहलाते हैं। तो फिर अल्प कहाँ आ जाएंगे आपके, अंतायस्थ। जितने भी आपके अंतायस्थ हैं वो किस में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे आपके, अल्प प्राण में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, अल्प प्राण में, ठीक है ना। चलिए स्वर बताओ कहाँ रखे जाएंगे, स्वर किस में रखे जाएंगे, अल्प प्राण में। स्वर किस में रखे जाएंगे, अल्प प्राण में। और ये बात भी किसने कही है, कामता प्रसाद ने, किसने कही है, कामता प्रसाद गुरु ने कही है, ठीक है। अल्प प्राण की संख्या अगर पूछ बैठे कितनी होती है टोटल, तो 30। महाप्राण की संख्या 14, महाप्राण की संख्या 14, ये पूछे गए क्वेश्चन डायरेक्ट, ठीक है, ध्यान रखना। अल्प प्राण की टोटल संख्या कितनी होती है, 30। इसमें ये आपके व्यंजन भी होंगे और स्वर भी होंगे, ठीक है। और महाप्राण कितनी होगी, 14 होगी। उधर पहुंच जाओ जरा, अघोष अघोष में बताओ जरा कितनी होगी, अघोष अघोष में लिख लो, अघोष में 13, हाँ गुड, अघोष में 13 और सघोष में 31। पूछे जाते हैं क्वेश्चन कभी कभी, फटाफट लिख लो जल्दी जल्दी, हो गया क्लियर। और अंतिम हम लोग बात करेंगे, उसी बाद आपकी वर्ण वाला खत्म कराते हैं। डालो यम वर्ण कौन से होते हैं, यम वर्ण क्या हुआ, यम वर्ण लास्ट है, छोड़ दे रहा, थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं, आज खत्म कराते हैं इसको ना, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट होता है हिंदी का। बताइए यम वर्ण क्या होते हैं, यम वर्ण क्या हुआ, लेट हो रहे हो क्या, हाँ बस 2 मिनट लगेंगे। यम वर्ण क्या होते हैं बताओ जल्दी जल्दी, यम वर्ण, यम वर्ण कौन से होते हैं, देखिए समझना ध्यान से, यम वर्ण कौन से होते हैं। देखो जैसे आपके ये वर्ण लिखे हुए हैं, का खा गा घा और कौन आएगा, अंगा। जितने भी स्पर्श होते हैं, जितने भी क्या होते हैं आपके, स्पर्श होते हैं, ता था दा, बार बार वही बनता है, बहुत जल्दी ऐसे आने की, दा की जगह छीन ले तुम्हें, कौन आएगा फिर, ना, फिर कौन आ जाएगा, पा, फिर भा, मा, यही होते हैं। अब देखो अगर पंचमा अक्षर किसी वर्ण में आता है, समझ से आप नोट कर लेना अपना, पंचमा अक्षर अगर किसी वर्ण में आता है और उससे पहले जो आपके वर्ग हैं उनके जो ये वर्ण दिए हुए हैं सारे, इन वर्ण में से रिपीटेशन हो, रिपीटेशन जानते हो कि एक ही वर्ण दो बार रखा गया हो, एक ही वर्ण क्या गया हो, दो बार रखा हो, लेकिन कब, जब आपके पंचमा अक्षर कोई कोई ना हो इसमें साथ में हो, ऐसे ही समझोगे, एग्जाम्पल से समझोगे आप, हमें पता है, तो एग्जाम्पल लिख लो पहले तब समझाते हैं आपको। देखो एग्जाम्पल लिखो इसका, एग्जाम्पल देखो, पली आधे आधे लिखो दो बार, जैसे उज्जवल लिखाया था उज्जवल, वैसे करके लिखो, ये खा दो बार है ना, ऐसे करके लिख लो इसको, पहले लिख लिया ये, अब समझो। देखो हमने बताया कि पंचमा अक्षर होना चाहिए और उससे पहले
इन 16 वर्ण जो होंगे भाई, पांच वर्ण, पांचवा हटा दो, इसके बाद 16 वर्ण बचे, इन 16 वर्णों में रिपीट मारना चाहिए वर्ण को, एक ही वर्ण क्या होना चाहिए, रिपीट मारना चाहिए। तो इसका जो दूसरा वर्ण होगा ये वाला, यही आपका कहलाता है कौन, यम वर्ण। समझा ध्यान से, पंचमा अक्षर है और उससे पहले क्या है, समान वर्ण है, क्या है, समान वर्ण है, ठीक है। तो उसका सेकंड वाला जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, यम वर्ण कहलाएगा, क्या कहलाता है, यम वर्ण कहलाता है, ठीक है। जैसे लिख लो, एक और देखो, है ना, तो इसमें देख लो, ये ना है देखो पंचमाक्षर, और ना से पहले गा है, यानी कि ये वाला वर्ण है, तो ये वाला वर्ण जो होगा वो क्या कहलाएगा आपका, गा, गा जो यहां पर क्या है, यम है, क्या है आपका, यम वर्ण है, ठीक है। तो पंचमा अक्षर होने चाहिए और इन 16 में से कोई भी वर्ण हो, लेकिन क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिपीट, यानी कि दो बार उसका यूज हो, तो जो सेकंड वाला होगा वही आपका क्या कहलाएगा, यम वर्ण कहलाएगा, क्या कहलाएगा, यम वर्ण। कोई भी अक्षर हो सकता है और वो रिपीट होना चाहिए, ना ना ना, सही है। अब आपको सर ये तो नॉर्मल ही तो हम बता ही देंगे, लेकिन नहीं, कभी कभी ये वर्ण पूरा भी दे देगा, मतलब एक वर्ण आधा दिया और एक पूरा दिया। अब जब ऑप्शन में रखेगा तो आधा भी रखेगा और पूरा भी रखेगा, बात समझ आ रही, तो इनमें से पूछेगा कौन सा यम वर्ण है, तो आप कौन सा बताओगे, पूरा वाला, आ रही बात समझ में, यानी कि जो रिपीट मारेंगे ना उसका सेकंड वाला जो होगा, रिपीट जो मारेगा उसका सेकंड वाला जो वर्ण होगा वही आपका क्या कहलाएगा, यम वर्ण कहलाता है, क्या कहलाता है, यम वर्ण। समझ में आ गया, तो पंचमा अक्षर होना चाहिए और इन 16 में से कोई भी वर्ण हो जो क्या कर रहा हो, रिपीट मार रहा हो अपने आप को, है ना, तो आपका क्या कहलाएगा, यम कहलाएगा, क्या कहलाएगा, और लिखवा दे, एक लिख लो और, ये आधा घा है, ध्यान रखना, ये आधा घा है और फिर से घा है, ठीक है ना, और फिर ना है और बाद में ती है, ठीक है, तो ऐसे लिख लो, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब नीचे कुछ एक छोटी सी पॉइंट लिख लो, बस खत्म हो गए, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, नोट हो गया, चले ये पूछ लेगा आपको, उठाकर ध्यान रखना, हाँ आधे आधे आते हैं, पूरा भी हो सकता है पीछे भाई, आधा वर्ण आधा हो सकता है, फिर पूरा पूरा हो सकता है वो वाला, तो ये कन्फर्म नहीं कि आधे आधे ही होंगे, लेकिन और आपको फायदा है उसमें, है ना, ध्यान रखना। अब लिख लो फटाफट, लिखो नव, पॉइंट कर लो जल्दी जल्दी, नव निर्मित दुनिया, नव रिथम निर्मित दुनिया कौन सी है, नव निर्मित दुनिया, देखो इन्हीं को बोलते हैं नव विकसित दुनिया, नव विकसित दुनिया, बता देंगे कौन कौन सी है, इनके नाम लिख लो पहले, ठीक है, और आगत दुनिया, ठीक है, ध्यान रखना ये होती कौन सी है, एक साल लिख लो इनको, बताओ कौन कौन सी होंगी, जल्दी बताओ, हाँ जी, का हो गया, फिर खा हो गया, फिर गा हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। अगला लिखो, आगत स्वर कौन सा होता है, बता चुका हूँ वैसे तो, यस बोलो, यस या नो, आगत स्वर कौन सा बताया था हमने, यही आधुनिक स्वर कहलाएगा, आधुनिक स्वर, थोड़ा स्पीड पकड़ लिया हमने, सही, ध्यान रखना, ठीक है, इसे भी नवीन स्वर भी कह सकते हैं, नवीन स्वर, ठीक है, क्या हो जाएगा, नवीन स्वर। उसके बाद लिखिए आगत व्यंजन कौन से होंगे, नहीं सुनो एक मिनट को, और नव विकसित वर्ण लिखो, नव विकसित वर्ण, ये दुनिया है, हम वर्ण की बात करेंगे अब, नव विकसित, क्या बताया हमने, वर्ण, वर्ण, या कह सकते हैं इनको कौन, व्यंजन, बताओ कौन से होते हैं, बोले जल्दी, क्या बोलते हैं इनको, और बाकी हमने इसका पूरा इतिहास पढ़ा दिया है, मेरे हिसाब से गलत की चांस खत्म, इसका पूरा इतिहास बता दिया हमने, बोले यस या नो, ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे, हमारा पूरा समाप्त हो गया ये, नेक्स्ट और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है, हैं।